Hi everyone, good morning. Welcome to An Academy Neet, guys. Am I live now? बता दो मैम को. Yes, बिल्कुल सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा सब कुछ. Hi everyone. Yes. Okay, yes, I am very much live everywhere. Good, good to see that. Good to see that. Okay. Yes, चलो. सबसे पहले बच्चे स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया. चलिए वेरी नाइस, आज स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया है ऑफिशियली. गुड टू हियर दैट बच्चों. तो आज बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी. ठीक है, रेडी है सब बच्चे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गाइस. फटाफट कॉल कर लो अपने फ्रेंड्स को, बिकॉज टुडे इज योर टेस्ट. किसका टेस्ट है? मंथन का टेस्ट है. और उस मंथन के टेस्ट के लिए हमें प्रिपेयर करना है 9 बजे और दोपहर को 12:30 बजे. क्या करने वाले हैं? हम एनसीईआरटी रीडिंग करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स की. ओके बच्चा, यस एवरीवन इज हियर. लेट मी जस्ट सी एवरीवन इज हियर और नॉट. बुला ले सबको. क्या कहते हो? ओके, यस. हाय शगुफ्ता, हाय कोमल, हेलो. गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग. अच्छा, मंथन के टेस्ट का लिंक दे दे बच्चों. मंथन के टेस्ट का लिंक बहुत आसानी से मिल सकता है आपको. आप हमारी अनअकैडमी के ऐप में जाइए. अनअकैडमी के ऐप में जाएंगे तो आपको टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा. टेस्ट में जाओ, वहां पर मंथन का ऑप्शन मिलेगा. देन बेटा आप आसानी से हमारे मंथन के टेस्ट का लिंक ले सकते हैं. चलिए स्टार्ट करें. देखो वन बाय वन मुझे दोनों का ही आपको एनसीईआरटी कराना है. वन इज गोइंग टू बी योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, अदर वन इज गोइंग टू बी योर लोकोमोशन एंड मूवमेंट. दोनों ही करने हैं हमने. क्या करना है? दोनों ही करने हैं. ठीक है, ओके. जस्ट अ सेकेंड, फटाफट अपलोड कर लें फिर फाइल्स को. आ जाइए. कल, हाँ जी बेटा, कल टेस्ट नहीं हुआ था. आज आपका क्योंकि मंथन का टेस्ट था, मुझे लगा कि आपको टाइम चाहिए, यू नीड सम टाइम, इसी वजह से. राइट, चलिए आ जाइए. ओके, यस. शुड वी स्टार्ट गाइस? Everyone is here. जो बच्चे नए आए हैं मैं उनको बता दूं, वेलकम टू अन अकेडमी नीट. एंड आज आपका मंथन का टेस्ट है 3 बजे. उसके लिए हम दोनों चैप्टर्स एनसीईआरटी से प्रिपेयर करने वाले हैं. पहला चैप्टर होने वाला है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन. जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, माई नेम इज सी पाउजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट ऑन अन अकेडमी नीट. आप मुझे एवरी डे यूट्यूब पे देखते हो दोपहर में 3:30 बजे, और आप एवरी डे मुझे स्पेशल क्लास में भी देख सकते हो सुबह 10 बजे एंड शाम को 6 बजे. राइट, चलिए. तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब. क्या करना बेटा? चैनल को कर लो सब्सक्राइब. एंड हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है t.me/unacademyneet_official. ये ऑफिशियल चैनल है अनअकैडमी नीट का. तो इसी पर आपको रोज डीपी भी मिलती है, इसी पर आपको रोज नोट्स मिलते हैं. तो डू यू नो ज्वाइन दिस चैनल. सब बच्चे इस चैनल को कर लो ज्वाइन, एंड यू नो तभी आप डीपीपी का आनंद उठा पाओगे. साथ ही में बच्चों प्लस में आपको पता शायद चल गया होगा कि कुछ ही दिनों के लिए आपके पास एक ऑफर है, जिसमें अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 4.5 मंथ तक आपके पास बेनिफिट रहेगा. ठीक है, तो प्लस में बहुत अमेजिंग कोर्सेज आ रहे हैं. लाइक वी हैव गॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोर्स चल रहा है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं. देन देयर इज अ बम्पर ऑफर जो मैंने अभी बताया है. बम्पर क्यों है? क्योंकि यार तीन महीने में आपको आइडियली मिलना चाहिए था जून तक सब्सक्रिप्शन, बट वी आर एक्सटेंडिंग इट टू July 31st, एक दिन जस्ट बिफोर योर एग्जाम, ताकि आपको रात के 12 बजे तक, 31 जुलाई रात के 12 बजे तक सपोर्ट मिल पाए बेस्ट टीचर्स का, क्वालिटी टीचर्स का. ठीक है, लेकिन ये बच्चों ऑफर कुछ ही दिन के लिए रहेगा. तो अगर आप रियल तैयारी अपनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप बेटा ये वाली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. नमस्ते बच्चों. ठीक है, ये देखिए इस तरीके के आपको कोर्सेज मिल जाएंगे. हमारा भी रिविजन कोर्स चल रहा है, फाइनल लीव फॉर नीट 2021, 90 डेज रिविजन एंड प्रैक्टिस कोर्सेज गोइंग ऑन. तो ये सारी चीजें बच्चों आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं. अब बहुत सारे टेस्ट आएंगे आपके प्लस पर. ठीक है, ये रहा अपना मंथन टेस्ट जो आप मेरे से पूछ रहे थे ना. दिस इज आवर मंथन टेस्ट जो आपका एवरी सैटरडे होता है. कब होता है? एवरी सैटरडे इट हैपेंस. ठीक है,
और अनअकैडमी कॉम्बैट जो कि संडे को होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, सब बच्चों के लिए फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, बहुत दिल से बनाया गया है बच्चों, आपके बेनिफिट के लिए बनाया गया है। तो सिर्फ आपसे वो कोड पूछेंगे, कोड आप डाल दीजिएगा सीप लाइफ, एंड इस कोड से आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। यस, यही बता रही थी मैं आपको, अनअकैडमी कॉम्बैट एवरी संडे मॉर्निंग 11 AM। कल का आपने देखा, रियली बच्चों थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है, कोई बात नहीं, उसको चलने दो, उसको मैं ना अभी इसके बाद टाइम चेंज करा दूंगी, ठीक है बेटा, टाइम चेंज करा दूंगी। ओके ओके ओके, टाइम चेंज करा देंगे। यस नंदिनी मिश्रा, 3 to 6 PM इज द टाइमिंग ऑफ योर मंथन टेस्ट, 3 to 6 PM इज द टाइमिंग ऑफ योर मंथन टेस्ट, राइट। चलिए स्टार्ट कर दे, रिविजन स्टार्ट कर दे। ओके ओके, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं टाइमिंग्स चेंज करा दूं। जस्ट जस्ट सेकेंड, ओके यस, शुड वी स्टार्ट गाइस। कल आपकी क्लास 11 AM पर कॉम्बैट भी है, कल मेरी क्लास कौन सी 11 AM पर, देयर इज नो क्लास एट 11 AM गाइस। टुमारो इज देयर, कल तो यार कोई क्लास नहीं है, टुमारो देयर इज नो क्लास एट 11, है ना। आपका कॉम्बैट आप आराम से दे सकते हो, राइट गाइस, कॉम्बैट दे सकते हो, है ना। तो फैजी यार थोड़ा सा स्केड्यूल देख के आया करो, ठीक है। कौन सी क्लास शो कर रहा है, कहाँ शो कर रहा है, 10th क्लास क्वेश्चंस, 10th क्लास क्वेश्चन। चलो फैजी को देखेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सक्रीशन बिना टाइम को वेस्ट करे हुए, ठीक है। लेट अस बच्चों स्टार्ट, ये आपका मंथन का स्केड्यूल आपने देखा ही हुआ है। ओके ओके यस, हाँ बच्चे वो छोटे बच्चों के लिए है, हरजीत कतवाल, आपके लिए नहीं है वो जो क्लास है ना, वो छोटे बच्चों के लिए है, ठीक है। चलो एनीवे आ जाओ बच्चों, अब एक एक लाइन हम मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, बिना इधर उधर देखे पढ़ेंगे और पूरी अटेंशन के साथ पढ़ेंगे। अपने नोट्स जो मैंने आपको मंथन के बनाए बनवाए हुए हैं उनको सामने खोल के रखो, सामने खोल के रखोगे तो मैच करते जाना सारी चीजें, और इम्पॉर्टेंट चीजें वहां पर आप हाईलाइट भी कर सकते हो। मैं तो बच्चों को बोलती हूँ कि व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज अ मार्कर, आप एक मार्कर यूज कर सकते हो कि नोट्स में जो भी पॉइंट एनसीईआरटी वाला है उसको एक डिफरेंट कलर, ऑरेंज और ग्रीन, किसी से भी मार्क कर लिया, ताकि जब आप नोट्स पढ़ो तो आपकी एनसीईआरटी बीच में आपको पता चल जाए कि यार ये एनसीईआरटी और यहाँ से ऐसे करना है, राइट राइट माय डियर स्टूडेंट्स, शुड वी स्टार्ट। चलिए, सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन हम आज कर रहे हैं। एक्सक्रीशन होता क्या है, एनिमल्स दे एक्यूमुलेट नाइट्रोजनस वेस्ट, ये क्या है बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, ये सब क्या है, ये तीन चीजें तो क्या है नाइट्रोजनस वेस्ट, ये भी बॉडी का वेस्ट है, वाटर भी एक्सेस नहीं चाहिए हमें, अगर बॉडी में एक्सेस सोडियम पोटेशियम क्लोराइड फॉस्फेट सल्फेट ये सब हो रहे हैं तो बच्चे ये सब चीजें हमको नहीं चाहिए। दीज सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्शली, है ना। अगर तो बिल्कुल ही नाइट्रोजनस है तो उसको पूरा का पूरा हटाओ या फिर पार्शली हटाइए। पार्शली हटाने का क्या मतलब है कि जितना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल पानी तो पूरा नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। यही है बेटा खुशी जहांगीर, तुम सिलेबस पूछ रही हो, आज टेस्ट है बेटा, ऐसे मत करो यार, 3 बजे तो आपका टेस्ट है, तो सिलेबस में एक्सक्रीशन और लोकोमोशन दोनों आएगा, राइट। और मैंने एक वीडियो भी रिलीज की है सिलेबस पे, वो वीडियो क्यों नहीं देखी आपने अभी तक, क्यों नहीं देखी, हर ग्रुप में शेयर हुई है, तो यार अब कोई मुझसे सिलेबस नहीं पूछेगा आज क्योंकि आपका टेस्ट है, राइट। तो यार इन सब सब्सटेंसेस को क्या करना है, बॉडी में से रिमूव करना है, आइदर टोटली और पार्शली, ठीक है। टोटली मतलब कि पूरा का पूरा निकाल दो, या फिर पार्शली जितना चाहिए उतना रखो बाकी बाहर निकाल दो, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। अब हम देखेंगे कि बाकी एनिमल्स में भी कौन कौन से वेस्ट है,
तो सबसे पहले बात आती है आपकी अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट यही है। तो लिख लेते हैं, पहला कौन सा है अमोनिया, देन आपके पास कौन सा है यूरिया, एंड देन आपके पास कौन सा है यूरिक एसिड है, कौन सा है यूरिक एसिड है। तो इन नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में बात करते हैं। अमोनिया इज अ मोस्ट टॉक्सिक वन, टॉक्सिसिटी की बात करें सो द मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट इज गोइंग टू बी अमोनिया। यस गाइस, सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है अमोनिया, देन आता है टर्न बचे यूरिया का, और सबसे कम लीस्ट टॉक्सिसिटी किसमें है यूरिक एसिड में। जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक उसको उतना ही ज्यादा क्या चाहिए, उसको उतना ही ज्यादा चाहिए पानी रिमूव होने के लिए। तो यार अमोनिया वही ऑर्गेनिज्म रिलीज कर सकते हैं जिसके पास पानी ही पानी है, या तो वो पानी में रहते हैं या फिर उनके पास क्या है, या फिर उनके पास क्या है बच्चों, पानी बहुत है। ठीक है, प्लस यूरिक एसिड वो रिलीज करेंगे जिसमें ज्यादा पानी नहीं चाहिए, मतलब दैट वेस्ट इज गोइंग टू बी वेरी मच सेमी सॉलिड काइंड, ऑलमोस्ट सॉलिड होगा। और अपना यूरिया मिडल में आप लिक्विड फॉर्म में रिलीज कर सकते हो। ठीक है, सो अमोनिया इज अ मोस्ट टॉक्सिक वन, रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, ये बात समझ आई। ठीक है, वेयर एज यूरिक एसिड बींग द लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया दैट इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म। ठीक है, CO2 वर लीस्ट टॉक्सिक अमंग देम। अवनीश गुप्ता, यहाँ पर हम सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट की बात कर रहे हैं। अब क्या CO2 नाइट्रोजनस वेस्ट है? नो, CO2 इज नॉट अ काइंड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपैरिजन चल रहा है वो CO2 के साथ नहीं चल रहा, यहाँ पर बेटा जो कंपैरिजन चल रहा है वो सिर्फ किसके साथ चल रहा है, आपके अमोनिया के साथ चल रहा है, और यूरिया और यूरिक एसिड। यस, चलिए अब बात करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म क्या क्या रिलीज करते हैं। सो मेनी बोनी फिशेस, aquatic amphibians and aquatic insects are amonotelic in nature. मैंने बोला अमोनिया बहुत टॉक्सिक है, टॉक्सिक वेस्ट वही रिलीज करेंगे जिनके पास पानी है, जो पानी में रहते हैं। तो कौन कौन है ये याद रखेंगे, बोनी फिशेस, aquatic amphibians and aquatic insects। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आएगा, राइट। अमोनिया एज इट इज रेडिली सॉल्युबल, इट इज एक्सट्रैक्टेड एक्सक्रीटेड बाई डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सर्फेस। समझ रहे हो, इतना ज्यादा टॉक्सिक है कि बॉडी में रख ही नहीं पाओगे, जैसे बना वैसे ही हटाना है, जैसे बना वैसे ही हटाना है। ठीक है, तो बॉडी से हटा देंगे, राइट, एज अमोनियम आयंस। किडनीज डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, टाइम ही नहीं दे सकते ना, किडनी को भेजेंगे फिर भाई वो रिलीज करेगी, नो, इतना टाइम ही नहीं है। जैसे ही बनाओगे बेटा वैसे ही आपको बॉडी से बाहर फेंकना है इसको। देन टेरिस्ट्रियल अडेप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। अब सारे ऑर्गेनिज्म तो पानी में नहीं रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहते हैं, आपके लैंड पर रहते हैं, वो तो अमोनिया नहीं रिलीज कर सकते, इतना पानी ही नहीं है। तो भाई अलग टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट आया लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। सबसे पहले बात करते हैं मैमल्स की, हमारी बात हो रही है बच्चों, हमारी, एंड मेनी टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस फ्रॉग है ना, एंड मरीन फिशेज, ये बहुत ध्यान देना, बोनी फिशेज ऊपर अमोनिया में बैठी हैं, मरीन फिशेज नीचे यूरिया में आ चुकी हैं। मेनी मरीन फिशेज मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक। क्या बोलोगे, दे एक्सक्रीट यूरिया एंड आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक। अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म। अब क्वेश्चन आता है कि यार हम लोग यूरियोटेलिक है तो क्या हमारी बॉडी में अमोनिया बनता ही नहीं है? सब बच्चे बताइए, लेट मी जस्ट स्विच ऑन द लाइट, सब बच्चे मुझे बताइए क्या हमारी बॉडी में अमोनिया बनता ही नहीं है? कम ऑन गाइस, यस, क्या हमारी बॉडी में अमोनिया बनता ही नहीं है भाई? बताओ किसने आंसर दिया, राजी विद द राइट आंसर, बिल्कुल जी बनता है, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूरिया में। कहां पर, लिवर में, किस साइकिल के द्वारा, दैट इज कॉल्ड एज यूरिया साइकिल। तो हमारी बॉडी में जितना अमोनिया बनेगा हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, किसमें कर देंगे कन्वर्ट, हम यूरिया में कन्वर्ट कर देंगे। सो द अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर एंड इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड व्हिच इज फिल्टर्ड बाय द किडनी। सिंपल, सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड। अब क्वेश्चन आता है कि यार तुम्हारी बॉडी में अमोनिया बना, तुमने उस अमोनिया से क्या बना लिया, यूरिया, यूरिया तुमने बॉडी से बाहर निकाल लिया, क्या तुमने 100% यूरिया बाहर निकाला या फिर कुछ यूरिया आपने बॉडी में रख लिया? बताइए, क्या आपने 100% यूरिया बाहर निकाल दिया है? आंसर इज गोइंग टू बी नो बच्चे, हमने 100% यूरिया बाहर नहीं निकाला है,
some amount of urea is retained in the body, ठीक है, retained in the kidney matrix of some animal to maintain the desired osmolarity. 24 ग्राम to 35 ग्राम यूरिया हम अपनी बॉडी में रखते हैं ताकि हमारी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या रहे, नॉर्मल रहे. तो ये बात हो गई आपकी यूरियोटेलिक की. आगे आ जाते हैं लीस्ट टॉक्सिक वेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज यूरिक एसिड. कौन कौन रिलीज करेगा? रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, लैंड स्नेल्स हैं एंड इंसेक्ट्स हैं. अब इंसेक्ट एनसीईआरटी ने दे दिया, तुमको यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि यार कॉकरोच क्या रिलीज करता है? तुम खुद सोचोगे. यार बटरफ्लाई क्या रिलीज करती है? तुम खुद सोचोगे ये किस कैटेगरी में आती है, ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं, इंसेक्ट वाली कैटेगरी में आ रहे हैं. तो भाई ये क्या रिलीज करेंगे? यूरिक एसिड. सो दे विल एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट्स. मैंने बोला ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड. आपने बर्ड्स का वेस्ट तो देखा ही है, स्कूटी पे गिरा हुआ, उस पर गिरा हुआ, क्या कहते हैं, स्कूटी पर और आपके बाइक पर, कार पर, कई बारी चेहरे पर भी गिर सकता है ना, जैसे मैम के साथ हुआ था, माथे पर, है ना. तो वो क्या है? वो पेस्ट फॉर्म में है, वो सेमी सॉलिड है, प्रॉपर लिक्विड नहीं है यूरिन की तरह, प्रॉपर सॉलिड भी नहीं है. सो इट विल बी लॉस्ट विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, तभी सेमी सॉलिड है, ठीक है, विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक. यस, बिल्कुल ठीक श्वेता कुमारी. जो बर्ड्स का वेस्ट है, जो बर्ड्स का वेस्ट है बेटा, उसको क्या बोलते हो? उसको बोलते हो आप गुआनो. क्या बोलते हो उसको? गुआनो. यस, चलिए आगे चलते हैं. नाउ द सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर. अब थोड़ी सी हिस्ट्री कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? थोड़ी सी हिस्ट्री कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का वेस्ट चलता है. वाह, ये गुलाब जामुन, साक्षी सिंह, मेडिको बॉय रोहित एंड नंदिनी मिश्रा, देवेंद्र, ये सब बच्चे मुझे YouTube पे मैसेज कर रहे हैं. गुड बेटा, बिल्कुल ठीक. साक्षी सिंह इज लाइक कि मैम ये गुलाब जामुन के साथ भी हुआ. यस विजय लक्ष्मी, क्लास तब तक चलेगा जब तक हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता. सिंपल सा फंडा है अपना तो, है ना. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में हिस्ट्री देख लेते हैं. अब मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, दीज स्ट्रक्चर्स आर वेरी सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, वेयर एज वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा किडनीज की तरह. सो सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशनड हियर. चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके प्लैटी हेलमिंथीज की, लाइक प्लेनेरिया. प्लैटी हेलमिंथीज के पास बत्ती की तरह जो सेल है, जिसपे ऐसे उसका सीलिया फ्लेम की तरह मूव करता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स, ठीक है. फ्लेम सेल का ही दूसरा नाम क्या है? प्रोटोनेफ्रीडिया. इसी का दूसरा नाम क्या है? सोलेनोसाइट्स. और क्या बेटा? इसका दूसरा नाम क्या है? सोलेनोसाइट्स, ठीक है. दे आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लैटी हेलमिंथीज एंड इन रोटिफर्स, सम एनालिट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स, एम्फियोक्सस. इन सब में बच्चे क्या प्रेजेंट होंगे? ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे. प्रोटोनेफ्रीडिया, दे आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद आयनिक एंड फ्लूइड बैलेंस. वही ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन, वही बात है. देन बच्चे अर्थवर्म में बात करें, एनिलिडा में बात करें, तो कौन आ जाएंगे आपके? नेफ्रीडिया. गुड मॉर्निंग. मैं हमेशा बोलती हूँ हमारी क्लास में बड़े बड़े लोग आके, है ना, पढ़ाई करते हैं. तो देखो आज भी, यस फातिमा, एक चैप्टर अभी होगा और एक 12:30 बजे होगा, बीच में आपको गैप मिलेगा 1.5 घंटे का. यस, सो नेफ्रीडिया, दे आर ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनिलिड्स, राइट गाइज. अर्थवर्म में क्या होगा? नेफ्रीडिया, वो भी वही करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करेगा और बैलेंसिंग करेगा. देन अगर कॉकरोच पे, इंसेक्ट पे, इनमें क्या प्रेजेंट है? मालपिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, राइट. दे आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. देन दीज मालपिजियन ट्यूब्यूल्स, दे विल हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन. अब बात करो बच्चे अक्वाटिक आर्थ्रोपोड की, प्रॉन्स की. प्रॉन्स में क्या प्रेजेंट है? प्रॉन्स में प्रेजेंट है एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड्स. तो ये जस्ट नाम है आपको याद रखने हैं कि यार प्लैटी हेलमिंथीज में क्या होता है, एनिमल किंगडम में भी क्या था, इंसेक्ट्स में कौन सा स्ट्रक्चर है, अर्थवर्म में कौन सा स्ट्रक्चर है, अक्वाटिक आर्थ्रोपॉड में कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो ये सिंस ये चीज आपके इस चैप्टर में भी गिवन है, ठीक है, मेंशनड है, तो आपको पूछी जा सकती है, ठीक है, राइट. चलिए आ जाइए अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में. Should we start with the excretory system? Yes, guys. Okay. चलो. So human की excretory system में क्या-क्या चीजें हैं? सबसे पहली चीज, human excretory system consists of a pair of kidney. दिख रहा है? Pair of kidney, right?
पेयर ऑफ यूरेटर, किडनी में से क्या निकला, ये जो लंबी लंबी ट्यूब्स निकली, दे आर कॉल्ड एज यूरेटर, है ना। फिर एक सिंगल बैग, बैग क्या, यूरिनरी ब्लैडर, और फिर बच्चे जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। सबसे पहले बात कर रहे हैं बेटा ये किडनी की। किडनी का कलर कैसा है, ब्राउन कलर की किडनी है। शेप कैसी है, राजमा शेप किडनी है, बीन शेप किडनी है। कहाँ पर सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर। अच्छा लास्ट थोरेसिक बताइए, सब बच्चे मुझे लास्ट थोरेसिक बताइए, कितने थोरेसिक है तुम में और लास्ट थोरेसिक कौन सा होगा, कौन सा होगा लास्ट थोरेसिक, कौन सा होगा, कम ऑन गाइस। हाँ जी लास्ट थोरेसिक कौन सा होगा, वेरी नाइस अनिकेत, योगेश, आशुतोष, मुझे सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए, इफ यू आर ऑन यूट्यूब और एनीवेयर एल्स, सब बच्चे बताते जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया इंतकाब, लास्ट थोरेसिक इज गोइंग टू बी T12, दैट मींस किडनी इज गोइंग टू एक्सटेंड फ्रॉम T12 टू थर्ड लंबर, ठीक है, L3, L5 होते हैं L3 तक, ये उसका दिया हुआ है, याद रखना है ठीक है। क्लोज टू द डॉर्सल, डॉर्सल माने पिछली साइड पर, इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। मैंने आपको बताया था किडनी जो है आपकी इस तरीके से डॉर्सल वॉल पर अटैच्ड है, एंड वेंट्रली बच्चा, वेंट्रली इट इज लाइंड बाय पेरिटोनियम ऑन ओनली वन साइड। इस तरीके से स्ट्रक्चर किया था हमने मंथन में, याद आया कि अटैच्ड टू द डॉर्सल वॉल, कवर्ड बाय पेरिटोनियम ऑन ओनली वन साइड। इस कंडीशन को क्या बोला था बता दो, सारे मंथन वाले मुझे बताएंगे, इस कंडीशन को क्या बोला था, इस कंडीशन को बेटा बोला था रेट्रो पेरिटोनियल। क्या बोला था, रेट्रो पेरिटोनियल। तो हमारी किडनी कैसी है, रेट्रो पेरिटोनियल है। दूसरी चीज और कैसी है हमारी किडनी, इट इज एक्चुअली मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक ठीक है, बिकॉज ये मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल से बनती है। ओके सो ईच किडनी ऑफ एडल्ट मेजर्स अराउंड 10 टू 12 सेंटीमीटर इन द लेंथ। ये लेंथ है बच्चों 12 सेंटीमीटर, स्केल का तो पता ही 12 सेंटीमीटर कितना होता है, 5 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड थिकनेस में आप देख लीजिए। वेट कितना है, 170 ग्राम, 120 टू 170 ग्राम इसका वेट हो सकता है। सो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी देयर इज अ नॉच। देख रहे हो बेटा, अगर ये किडनी है तो यहाँ पे बेटा एक नॉच होगी, दिस पोजिशन, दिस इज कॉल्ड एज हाइलम, देयर इज अ नॉच बेटा विच इज कॉल्ड एज हाइलम, थ्रू विच यूरेटर विल कम आउट, रीनल आर्टरी विल गो एंड रीनल वेन विल कम। मतलब यहाँ पे जो भी एग्जिट और एंट्री है ना किसी भी चीज का, यूरेटर हो, आर्टरी हो, वेन हो, सबका एग्जिट और एंट्री कहाँ से होना है, इसी हाइलम से होना है। तो ये जो नॉच है ना, दिस इज एक्चुअली हाइलम, ठीक है। सो हाइनल इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस, इसके बाद आएगा विच इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस विद द प्रोजेक्शन विच आर कॉल्ड एज कैलिसेस, ठीक है। एंड द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल, इन साइड द किडनी देर आर टू जोन्स। बाहर वाले जोन को आप क्या बोलते हो, कॉर्टेक्स, अंदर वाले जोन को आप क्या बोलते हो, मेड्यूला। सो इन द आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, ये आपके हो जाएंगे दो जोन्स। मेड्यूला आगे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है जिसको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। यहाँ देखिए, दिस स्ट्रक्चर विल गिव यू डिटेल अबाउट द किडनी। सबसे पहले किडनी सराउंडेड बाय थ्री लेयर्ड कैप्सूल, यहाँ पे जो इसकी प्रोटेक्शन है ना वो कौन कर रहा है, रीनल कैप्सूल, जिसमें आपका एडिपोज टिश्यू भी होगा, है ना, फेशिया भी होगा, ये सब चीजें प्रेजेंट होगी, किडनी की प्रोटेक्शन हो रही है। देन हमने अंदर जाके देखा दैट किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना, द आउटर पार्ट, ये देखिए दिस आउटर पार्ट जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स। क्या बोल देंगे बच्चों इसको, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉर्टेक्स, राइट। इनर पार्ट देखिए, दिस इज द इनर पार्ट, अंदर वाला हिस्सा, ये सारा अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, मेड्यूला। अब ये जो मेड्यूला है वो सही सलामत प्रेजेंट नहीं है, वो कैसे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर। ये देख रहे हो, ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल शेप में क्या बोलते हो, पिरामिड्स बोलते हो। सो दीज आर कॉल्ड एज मेड्यूलरी पिरामिड्स, क्या बोलोगे बेटा, दीज आर कॉल्ड एज मेड्यूलरी पिरामिड्स, ठीक है। पिरामिड से आगे आ जाइए, छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कैन यू सी, दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे इसको, दिस इज कॉल्ड एज माइनर कैलिक्स। फिर आगे थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर दिखा,
दिस इज कॉल्ड एज मेजर कैलिक्स। फिर थोड़ा और बड़ा स्ट्रक्चर दिखा, दिस इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस बेटा खुल जाएगा आपके यूरेटर में। तो इस चीज को समझो, पिरामिड, पिरामिड के बाद आएगा माइनर कैलिक्स, माइनर के बाद आएगा मेजर, मेजर के बाद क्या आ जाएगा आपका, मेजर कैलिक्स के बाद क्या आ जाएगा, रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस खुल जाएगा आपकी यूरेटर में, ठीक है। यस गाइस, तो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है ना, उनका कुछ हिस्सा आपका यहाँ प्रेजेंट होगा कॉर्टिकल रीजन में, कुछ हिस्सा बेटा प्रेजेंट होगा आपके इस मेड्युलरी रीजन में। वो जब हम नेफ्रॉन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अब ध्यान दो कि कॉर्टिक्स का कुछ हिस्सा मेड्यूला में भी एंट्री मार रहा है, पिरामिड के बीच में जो खाली जगह है यहाँ पर। दिस कॉर्टिक्स का हिस्सा जो मेड्यूला में एंट्री मारता है, दैट इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम्स ऑफ वर्टेनाए। यस बच्चों, क्या बोलोगे इस कॉर्टिकल रीजन को, जो बेटा मेड्यूला के बीच में एंट्री मारता है, दैट इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम्स ऑफ वर्टेनाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन अब किडनी कर ली, किडनी के अंदर क्या पाया जाएगा, ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। देखो नंबर तक दे दिया आपकी एनसीईआरटी ने कि हर किडनी के पास कितने स्ट्रक्चरल यूनिट्स होंगे, कितने बेटा, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होंगे। यस बेटा, 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज नेफ्रॉन, विच आर द फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज जो वेस्ट बनाए, वेस्ट कौन बना रहा है, कौन कलेक्ट कर रहा है, नेफ्रॉन। हाँ जी, 1 मिलियन होते हैं 10 लाख सिद्रत, और 10 लाख हमारे चैनल के भी होने वाले हैं। तो तुम लोग फटाफट से हमारे चैनल को स्प्रेड करो, आने के एडमिन नीट को फटाफट से, बहुत थोड़े लोग रहते हैं 1 मिलियन होने में, इसको 1 मिलियन बना दो यार, है ना, हैप्पी कर दो हमारी पूरी टीम को, होल टीम शुड बी लाइक कि यस, हमारे बच्चों ने कर दिखाया और बहुत जल्दी कर दिखाया। ओके बेटा, चलिए। So each nephron, they have got two part. One is called as a glomerulus, ठीक है? And the other one is called as renal tubule. ध्यान दो, nephron के कितने हिस्से होते हैं? पहला हिस्सा क्या कहलाएगा? Glomerulus, which is a tuft of capillary. बाकी यार इसमें कुछ ट्यूब व्यू प्रेजेंट है, कुछ ट्यूब ऐसी कॉन्वोल्यूटेड होंगी, कुछ सीधी होंगी, ठीक है। ग्लोमेरुलस, वही मैंने बात की, इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट नेमारी एंट्री और एफरेंट नेमारा एक्सिट। ये देखिए, ये है आपका बेटा नेफ्रॉन, ठीक है, ये है बच्चे, क्या है आपका नेफ्रॉन। यहां से एंट्री ली एफरेंट आर्टेरियोल ने, अच्छा एफरेंट आर्टेरियोल को किसने बनाया, रीनल आर्टरी ने। रीनल आर्टरी को किसने बनाया, आयोटा ने। तो पहले भाई आयोटा आई, फिर यहाँ से रीनल आर्टरी बनी, फिर क्या बना, एफरेंट आर्टेरियोल। अब खुद सोचो, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, कम ऑन गाइस, कम ऑन, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ओके, इसमें कैसा ब्लड होगा बेटा, इसमें ब्लड होगा आपका ऑक्सीजनेटेड। ये जो बच्चे डी बोल रहे हैं ना, वो सब खड़े हो सकते हैं अपने अपने स्थान पर। द टाइप ऑफ ब्लड हेयर इज गोइंग टू बी ऑक्सीजनेटेड बट टॉक्सिक। टॉक्सिक का ऑक्सीजनेशन से कोई लेना देना नहीं है, टॉक्सिक का मतलब है इसमें यूरिया ज्यादा है, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा है, बट ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड टॉक्सिक ब्लड एंट्री मारेगा एफरेंट आर्टेरियोल में, ये आगे जाके कैपिलरी नेटवर्क बना लेंगे जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से एक और आर्टेरियोल निकलेगी विच इज एफरेंट आर्टेरियोल। ये आर्टेरियोल पूरा जाल बिछा रही है, क्या कर दिया बच्चों, इसने जाल बिछा दिया। इस जाल को आप क्या बोलोगे, यहाँ पे लेबल नहीं किया हुआ, मैं लेबल कर देती हूँ इस जाल को, दिस जाल इज कॉल्ड एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलते हो इसको, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। जब ये जाल यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है आपके लूप ऑफ हेनले के अराउंड, उसको बोलते हो वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का ही नाम है, लेकिन वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जिसने यू शेप बनाया हुआ है लूप ऑफ हेनले के अराउंड, ये चीज पता चली। यस, शेप पे आपको जाना है। अगली चीज, अब बात करते हैं रीनल टिब्यूल की। सबसे पहले यहां पर कप बना हुआ है, द कप इज कॉल्ड एज बोमैंस कैप्सूल। कप के बाद निकली, हां जी, क्या, फर्स्ट कॉन्वोलेशन, नजदीक वाली कॉन्वोलेशन, जिसको बेटा आप क्या बोलते हो, पीसीटी, proximal convoluted tubule। Then बच्चे वहां से निकला loop of Henle, loop of Henle का ये descending portion, ये वाला ascending portion, ठीक है। तो descending limb of loop of Henle and ascending limb of loop of Henle। फिर बेटा आगे फिर से convolution आई,
ठीक है, जिसको आपने बोला डीसीटी, डीसीटी इज गोइंग टू ओपन इन टू दिस कलेक्टिंग डक्ट। ये डीसीटी किसमें खुलती है बेटा? कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है। यस, अब सवाल आता है इन सब में से कौन सा पोर्शन आपका कॉर्टेक्स में है और कौन सा पोर्शन आपका मेड्यूला में है। तो यार जो लाइन लगती है ना वो ऐसे लगती है ये, तो ये जो कॉन्वल्जन है आपकी, ठीक है, पीसीटी है और डीसीटी है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। और ये जो नीचे का हमने बात किया ना लूप ऑफ हेनले, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? मेड्यूला में। तो अगर मुझे यहां पर बनाना होगा तो मैं इस तरीके से बनाऊंगी, लाइक दिस। सो नेफ्रॉन इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ये देखिए नेफ्रॉन इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ये आपका वोमेंस कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी। तो इतना हिस्सा बाहर, दैट इज योर वोमेंस कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी कॉर्टेक्स में, और लूप ऑफ हेनले कहाँ जाएगा? लूप ऑफ हेनले कहाँ जाएगा? आपका मेड्यूला में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल राइट। चलिए आगे पढ़ लें, हमने स्ट्रक्चर देख लिया, पढ़ भी लेते क्या लिख रही है हमारी एनसीईआरटी। सो द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर वोमेंस कैप्सूल व्हिच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। सब बच्चे मुझे थम्स अप दिखाते जाओ कि यस मैम, ये लाइन हमको बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। वैसे मैं इमोजी बंद कर देती हूँ जो दूसरी वाली होती है, बट हाँ तुम चैट में तो इमोजी लिख ही सकते हो मुझे। ओके चलिए, सो विच इनक्लोजेस ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस अलोंग विद वोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड एज मालपिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल। ठीक है, जब ग्लोमेरुलस आपका वोमेंस कैप्सूल के साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? मालपिजियन बॉडी बोलेंगे। को बच्चे पता है यहाँ पर क्या लिख के आते हैं? ऑप्शन में लिखा होता है मालपिजियन ट्यूब्यूल, पहला ऑप्शन होता है मालपिजियन ट्यूब्यूल और दूसरा ऑप्शन होता है मालपिजियन बॉडी। तो बच्चे क्या लिख के आते हैं इसमें? बच्चे क्या लिख के आते हैं? बच्चे लिख के आते हैं फटाफट से मालपिजियन बड़ा ट्यूब्यूल पे टिक। भाई ट्यूब्यूल तो क्या था? ट्यूब्यूल तो क्या था? कॉकरोच में था, इंसेक्ट्स में था, उनकी एक्सक्रीशन में, हमारे में नहीं है, हमारे में मालपिजियन बॉडी है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान से याद रखना। ओके यस बच्चे, गलती नहीं करेंगे आप। सो द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल्ड पीसीटी, ठीक है, देन अ हेयर पिन शेप। हेयर पिन देखिए ना सबने, जुड़ा पिन जो होती है, जुड़ा पिन कैसी होती है? इस शेप में होती है। दिस जुड़ा पिन इज अ यू शेप स्ट्रक्चर विच इज हेनलेज लूप, ठीक है, जिसके पास पहले होगा डिसेंडिंग नीचे जाने वाला लिम और फिर होगा बेटा असेंडिंग लिम। द असेंडिंग लिम कॉन्टिन्यूज फर्दर टू फॉर्म डीसीटी, राइट। DCT of many nephrons, इस वर्ड पे ध्यान दो, DCT of many nephrons, they are opening into a straight tube which is called as collecting duct. तो मतलब collecting duct एक अकेली की नहीं है, बहुत सारे nephron, देखो यहाँ पे कोई और nephron खुल रहा होगा, यहाँ पे कोई और nephron खुल रहा है, यहाँ पे यही वाला खुल रहा है, तो collecting duct भाई shared है, ये क्या है? Shared है, तभी तो collecting duct is never considered as part of nephron. It is not a part of nephron. कभी भी आप इसको nephron का हिस्सा नहीं लिखोगे, क्योंकि बेटा ये क्या है? ये shared है, ठीक है, ये क्या है? Shared है. Okay बेटा, चलिए. So many of which converge and open into renal pelvis through medullary pyramids in the calyces. समझ गए? ये देखिए, यहाँ पर आपकी सारी collecting duct खुलेंगी. देन बच्चे आपका सारा यूरिन आ जाएगा इस जगह पर कैलिसेस में, कैलिसेस के बाद आएगा पेल्विस में, पेल्विस के बाद बेटा कहाँ चला जाएगा? यूरेटर में चला जाएगा। बिल्कुल ठीक, अता कुरैशी बड़े दिनों बाद आया हमारी क्लास में, बट हाँ वो सही आंसर दे रहे हैं कि यार यहाँ पर जाने से पहले सारी कलेक्टिंग डक्ट खुलती है डक्ट ऑफ बेलिनी में। किस में? डक्ट ऑफ बेलिनी। तो जिसने नोट्स बनाए हुए हैं उसको ये वर्ड याद होगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। So the Malpighian corpuscle, PCT, DCT are situated in the cortical region, we have discussed, whereas the loop of Henle is present in the deeper region called as the medulla. So in the majority of nephrons, bachon, in the majority of nephrons, loop of Henle is short and extends only very little to the medulla. उसको आप क्या बोलते हो? उसको बेटा आप क्या बोलते हो? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा इसमें। मान लीजिए, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ओके। सो ये आपका कॉर्टेक्स और मेड्यूला है। बाहर वाली साइड क्या है? ऊपर वाली साइड होता है आपका कॉर्टेक्स,
नीचे वाली साइड क्या होता है बेटा, मेड्यूला। अगर तो नेफ्रॉन इस तरीके से है कि यार ये उसका क्या है कप, बोमैन्स कैप्सूल, दिस इज देयर पीसीटी एंड दिस इज गोइंग टू बी देयर लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज गोइंग टू बी द डीसीटी एंड दिस इज गोइंग टू बी द कलेक्टिंग डक्ट। इस टाइप के आप नेफ्रॉन को क्या बोलते हो जो मेजरली कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्टिकल रीजन में। लूप ऑफ हेनले है बट इट इज यू नो मेजरली इन द कॉर्टिकल रीजन, इसको आप बोलोगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये मेजरली आपके कॉर्टिकल रीजन में ही है। 85% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन्स दे आर कॉर्टिकल होंगे, ठीक है, मेजोरिटी यही है। ये कब काम करते हैं, दे वर्क ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, जब कोई कमी वमी नहीं है आपकी बॉडी में, नॉर्मली चल रहा है सब कुछ, दे विल वर्क अंडर नॉर्मल कंडीशन। इनका अगर मैं पेरी नेटवर्क देखूंगी, देयर एफरेंट आई, एफरेंट ने यहाँ पर ग्लोमेरुलस बनाया, एफरेंट निकली, एफरेंट इस तरीके से यहाँ पर क्या बना रही है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बनाई है। देयर इज नो वासा रेक्टा, क्या नहीं है, नो वासा रेक्टा, ठीक है। अगला वाला देखो, अगला वाला देखो बच्चे, ये आपका बोमैन्स कैप्सूल, ये आपकी पीसीटी, ये आपका लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। सबसे पहली चीज तो यार इनकी लूप ऑफ हेनले क्या है, लॉन्ग है। दूसरा कितना प्रतिशत है, ये सिर्फ 15% है। देन एफरेंट ने एंट्री मारी, ग्लोमेरुलस बनाया, एफरेंट ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ने ऐसे यू शेप स्ट्रक्चर भी बना लिया, दैट मींस वासा रेक्टा प्रस्तुत है, प्रेजेंट है इस टाइप के नेफ्रॉन को, जो सिर्फ कब काम करेंगे, स्ट्रेस कंडीशन में, जब बॉडी में पानी की कमी है, इसको आप बोलते हो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये बात समझ आई बच्चों, ये बात समझ आई, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। Yes guys, come on. ये बात 100% क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है, ओके। इन मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट एंड एक्सटेंड्स लिटिल इनटू द मेड्यूला, ठीक है। सच नेफ्रॉन्स दे आर कॉल्ड एज कॉर्टिकल। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीपर इनटू द मेड्यूला, सच आर कॉल्ड एज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ओके। हाँ जी, the efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule which is called as peritubular capillary, पढ़ लिया। a minute vessel of this network, देखो peritubular capillary की ही ये vessel है, a minute vessel of this network runs parallel to the loop of henle forming a u shaped structure, बेटा क्या बोलोगे इसको, क्या बोलोगे इसको, vasa recta। वासा रेक्टा इज आइदर एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इसमें से क्वेश्चन आता है गाइस, इसमें से पक्का एक एक लाइन में से आपको क्वेश्चन आता है, यस। वैसे बाकी बच्चे है काम अपनी क्लास के, मुझे ना अपने रेगुलर बच्चे दिख नहीं रहे। अंकित यादव अभी रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन के बारे में बात करेंगे बेटा। हाँ जी, मेड्यूला का मतलब होता है अंदर वाला हिस्सा, सोनल मिस्त्री, विराट, दशरथ, इफलाक। मेड्यूला का मतलब होता है इंटरनल पार्ट, ठीक है, यस। क्विज अभी कहां से, टेस्ट है शोले भटूरे, किसका लिंक शेयर करें बेटा, लिंक तो मैंने शेयर किया हुआ है सना, किसका लिंक कह रहे हो, ओके, अच्छा अच्छा ठीक है राजी, मतलब हो तुम राइट, बच्चे हैं, नाश्ता वाश्ता करके बैठे है ना, नहीं लिंक, अच्छा वहां शेयर करें, ओहो रुको, ठीक है एक मिनट रुको, लेट मी जस्ट, ओके भेज देती हूँ, याद ही नहीं कराया तुमने तो, कि वहां भी हमारे बच्चे हैं कुछ, भूल गए उनको, कोई बात नहीं, ओके चलिए, ओके छोले भटूरे मेरे नाम से सर्च करो यार, तो मिल जाएगा, आगे टिक लगा हुआ, सबको मिल जाएगा। आई एम अवेलेबल एवरीवेयर विद द नेम सी पाहुजा, ठीक है, आप इससे मुझे कहीं भी सर्च कर सकते हो। और मैम का नाम बड़ा यूनिक है, आपको किसी और का ये नाम नहीं मिलेगा, सीप मिल जाएगा लेकिन सीप पाहुजा नहीं मिलेगा, यस। चलिए आगे आ जाइए, सो यूरिन फॉर्मेशन सबसे टफ जो आपको लगता है, लेकिन बच्चे ये टफ है नहीं। बात कर ले यूरिन फॉर्मेशन की, तीन स्टेप्स होते हैं बच्चों, है ना, तीन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये है मान लीजिए आपका ग्लोमेरुलस,
और ये उसके साथ वाला वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। वुमेन्स कैप्सूल ने आगे बनाया आपका, ये बनाई उसने पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो मैंने सीधी बना दी, राइट। ब्लड ने एंट्री मारी, टॉक्सिक ब्लड ने बेटा एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू, एग्जिट मारा इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू, ठीक है। ये आपका एफरेंट, देन ये आपका इफरेंट, देन ये इफरेंट आर्टेरियोल आगे गई, इसने अपना नेटवर्क बना लिया, दैट इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होगा यहां से ब्लड का फिल्टर हो जाना, ठीक है। यहां पर आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होगी जो ब्लड को फिल्टर करेगी। सो द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहली चीज क्या होगी, फिल्ट्रेशन होगी। दूसरी चीज भाई, कई बार ऐसा भी होता है कि गलती से यूजफुल चीजें यहाँ आ गई हैं जो आप यूरिन में नहीं भेज, यूरिन में नहीं रिलीज करना चाहते। तो अगर यूजफुल चीजों को आप वापस ब्लड में भेजोगे, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। यूजफुल चीजों को जब हम वापस ब्लड में भेजते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रीअब्सॉर्प्शन बोलते हैं। तीसरी चीज, कई बार कुछ हार्मफुल चीजें ब्लड में है जो फिल्टर ही नहीं हुई, जिसको हमने भेजना है यूरिन में, है ना, नहीं रखनी है, बाद में याद आया होता ना, बाद में याद आ रहा है कि इसको भी भाई यूरिन में निकालो। तो मतलब यहाँ से आप कुछ और टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कुछ और आयंस आप वापस यूरिन में भेजना चाहते हो, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द थर्ड स्टेप, व्हिच इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। यस, सो इट इज गोइंग टू बी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, डन। तो इन्हीं तीन पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स थ्री मेन प्रोसेसेस, पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा यूजफुल चीजों को वापस लेना रीअब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन खराब चीजों को आगे जाकर सिक्रीट कर देना, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिक्रीशन, दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। सो द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरिड आउट बाय, हाँ जी, पहले स्टेप फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, कहाँ करेंगे, ग्लोमेरुलस में करेंगे, ठीक है। ऑन एन एवरेज कितना अमाउंट ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड, पहले बताओ तुम्हारे पास कितना अमाउंट ऑफ ब्लड होता है, टोटल ब्लड कितना है बताइए, टोटल ब्लड आपके पास कितना है, आप देख लो कार्डियक आउटपुट, दैट इज गोइंग टू बी योर टोटल ब्लड, दैट इज 5 लीटर, 5 लीटर मतलब 5000 ml, ठीक है। उसमें से कितना ब्लड किडनी ने फिल्टर किया, कितना ब्लड किडनी ने फिल्टर किया, दैट मीन्स रीनल ब्लड फ्लो, क्या पूछ रहे हैं ये, रीनल ब्लड फ्लो कितना किया, 1/5 ऑफ CO। अगर तुम 5000 का 1/5 करोगे तो आंसर कहीं 1000 आएगा, तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, 1000 के करीब ही दिया हुआ है ना, दैट इज 1100 to 1200 ml, ठीक है। तो इतना अमाउंट ऑफ किड ब्लड इज फिल्टर्ड बाई किडनी पर मिनट, विच कॉन्स्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट, राइट। सो द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू थ्री लेयर्स, बताओ फिल्ट्रेशन कहाँ कहाँ से होगी, पहला ग्लोमेरुलस का एंडोथीलियम, दूसरा बोमेंस कैप्सूल का एपिथीलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, समझ रहे हो। पहली फिल्ट्रेशन ये देखो, यहाँ देखना ये वाली जगह से आपका फ्लूइड क्रॉस करेगा, दैट इज बोमेंस कैप्सूल का एपिथीलियम। देन बेटा ये जो येलो कलर का है इसका भी तो आपका एंडोथीलियम होगा, यहाँ से क्रॉस करेगा और बीच में क्या है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसको इस तरीके से समझो, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस का है, यस, यहां से समझिए। ग्लोमेरुलस के अंदर स्क्वामस सेल्स होंगे, ठीक है, स्क्वामस सेल्स होंगे इस तरीके से, लेकिन इसके स्क्वामस सेल बड़े गैप में प्रेजेंट है, इन गैप्स को कुछ बोलते हैं, याद है किसी को, इन गैप्स को बेटा कुछ बोलते हैं, स्लिट्स बोलते हैं, नो 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 नो, दे आर नॉट पोडोसाइट्स, पोडोसाइट तो बोमेंस में होंगे, मैंने येलो से बनाया, मैंने ग्लोमेरुलस बनाया, यस, प्रिया वर्मा विद द राइट आंसर। ये जो मैक्यूला डेंसा बोल रहे हैं ना, वो तो अपनी सीट पे पूरा क्लास में खड़े रहे, है ना, उनको बैठने का डिजर्व नहीं करते हैं वो, यस, दे आर कॉल्ड एज फेनेस्ट्रा, दिस गैप्स दे आर कॉल्ड एज फेनेस्ट्रा। तो सबसे पहले जो ब्लड क्रॉस करेगा, ठीक है, जो ब्लड क्रॉस करेगा वो इन गैप्स में से क्रॉस करेगा, विच आर कॉल्ड एज द फेनेस्ट्रा। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट लेयर आ जाएगी जिसको आप बोलते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन,
जो यहाँ नहीं दिखाई है ऊपर, मैं यहाँ बना रही हूँ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे। इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे, देयर इज दिस रेड कलर लेयर विच इज द एपिथेलियम ऑफ बोमैंस। देखो भाई, ये बोमैंस का पेराइटल है और ये बोमैंस का क्या है, विसरल एपिथेलियम। क्या है ये? विसरल एपिथेलियम। तो अब मैं विसरल एपिथेलियम बनाऊंगी। इसके बाद बेटा यहाँ पर प्रेजेंट है आपका विसरल एपिथेलियम, जिसके पास स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जो मैंने ऐसे करके बनाए हैं। दी स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स दे आर नाउ कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। इसको क्या बोलोगे बेटा? पोडोसाइट्स बोलोगे। तो जब जो ब्लड आ रहा है उसको यहां से क्रॉस करना है, तो पहले यार वो फेरेस्ट्रा क्रॉस करेगा, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, फिर भाई वो पोडोसाइट्स के बीच में जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स है ना, पोडोसाइट्स आर लाइक दिस, बीच में जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स है इनको क्रॉस करेगा। बिल्कुल ठीक मानसी ठाकुर। एक पोडोसाइट लुक्स लाइक दिस, वन पोडोसाइट इज लाइक दिस। ये सेल है, ये देखिए, ठीक है, वन पोडोसाइट लुक्स लाइक दिस। सेम वे यहां पर भी होगा, ठीक है, यस। सो इस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो ये जो बीच का गैप देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन स्लिट। तो ये पूरी आपकी क्या बन जाएगी? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। समझ आया? ये चीज समझ आई? मैंने सेम कलर्स यूज किए हैं जो यहाँ यूज किए हैं, यस। तो सबसे पहले आप फेनेस्ट्रा क्रॉस करोगे, फिर बच्चे आप बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस करोगे, फिर आप विसरल एपिथेलियम के पोडोसाइट्स की इंटरडिजिटेशन में से सामान को भेज दोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। चलिए आ जाइए। सो द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमैंस कैप्सूल दे आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स एंड आर अरेंज्ड इन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस, जिसको आपने क्या बोला? फिल्ट्रेशन स्लिट्स। और क्या बोला बेटा? स्लिट पोर्स बोला, है ना? और क्या बोला यहाँ पर आपने इसको? स्लिट पोर्स बोला, राइट। सो द ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा दे विल बी क्रॉस्ड। सब कुछ क्रॉस हो जाएगा, इतना फाइन आपका फिल्ट्रेशन है। लेकिन क्या नहीं जाएगा? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हेयर इज बेटा प्रोटीन्स, ठीक है। सो एक्सेप्शन इज गोइंग टू बी द प्रोटीन्स, दे विल पास इनटू द ल्यूमन ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल, देयरफॉर बेटा इट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब इतना ज्यादा फाइन फिल्ट्रेशन है कि सब क्रॉस कर गया, जो नहीं चाहते थे ना वो भी क्रॉस कर गया। जैसे हमें ग्लूकोज नहीं चाहते थे कि क्रॉस करें, वो भी कर गया। अमाइनो एसिड बेचा बेटा हम नहीं चाहते थे क्रॉस करें, वो भी कर गया। बट क्या नहीं किया? प्रोटीन नहीं किए। इसीलिए बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को क्या बोलते हो? डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। क्या बोलते हो आप इसको? डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। यस अखिल, यस बेटा, डन, बताइए। चलिए, सो अब जो फिल्ट्रेट बच्चे पहुंच गया उसको आप क्या बोलोगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक दिन में कितना बना? ब्लड आपके 5 लीटर था, कितना बना बच्चों फिल्ट्रेट आपका, बताइए। एक मिनट में देखे तो कितना बना? 125 ml। और एक दिन में देखे तो यार कितना बना? 180 liters। भाई 180 liters फिल्ट्रेट बन गया है। इतना का यूरिन रिलीज होता है तुम्हारी बॉडी में से, बताओ सब बच्चे, क्या इतना यूरिन बाहर फेंकते हो तुम? नहीं फेंकते। तो इसको क्या करें? वापस लेना पड़ेगा ब्लड में। यूरिन तो हम कितना फेंकते हैं बाहर? सिर्फ 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर। तो बाकी के फिल्ट्रेट को आप वापस ले लोगे बाय नेक्स्ट प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। नो श्रेया पांडे, यू आर नॉट, आई कैन सी कौन प्लस है कौन नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो मैम को नहीं बना सकते तुम लोग, मुझे नहीं बना सकते, राइट, चाह कर भी नहीं बना सकते मुझे। जो कोशिश करते हो ना कि मैम के साथ थोड़ा सा खेला जाए, पॉसिबल नहीं है ना, तुमको पता नहीं है हमें क्या क्या दिखता है। यस यस, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल पूछा है मेरे से विराट शर्मा ने। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन? देखो चैप्टर चल रहा है और ये पूछ रहे हैं मैम एक्सक्रीशन का मतलब तो बता दो यार, शुरुआत से सुनते तो मतलब बताते। हाँ जी, ओके, क्योंकि भानु बारी बारी वो ब्लड गया पर डे में, सोचो कितनी बारी वो ब्लड किडनी में एंट्री मारा होगा। तो बारी बारी अगर आप फिल्ट्रेशन करोगे तो टोटल टोटल बच्चे आपका कितना बनेगा? 180 लीटर्स पर डे बन जाएगा फिल्ट्रेट, बिकॉज दैट सेम ब्लड इज एंटरिंग इनटू द किडनी मल्टीपल टाइम्स, राइट। चलिए
So the kidney have built-in mechanism for regulation of the glomerular filtration rate. One such mechanism is carried out by JG apparatus, which is called as juxtaglomerular apparatus. Yahan bana hua tha. Okay, yes. This apparatus is called as JG apparatus. ठीक है, JG apparatus में रुको. JG apparatus में बेटा क्या क्या होता है यहाँ समझो. ये है बेटा आपका Bowman's capsule. ठीक है, दिस इज बेटा योर Bowman's capsule. ठीक है, Bowman's capsule में किसने एंट्री मारी? Bowman's capsule ने में बच्चों एंट्री मारी आपके एफरेंट आर्टेरियोल ने. ठीक है, किसने मारी? एफरेंट आर्टेरियोल ने. तो ये एफरेंट आर्टेरियोल गया, ग्लोमेरुलस बनाया, एफरेंट आर्टेरियोल आ गया. फिर बेटा ये एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, ये आपका ग्लोमेरुलस. ठीक है, तो अगर मान लो किसी वजह से आपका फिल्ट्रेशन ज्यादा होने लग गया या कम होने लग गया तो आप क्या करोगे? मान लो, अब ध्यान से सुनना, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे. यहां से एंट्री हो रही थी क्योंकि ये एफरेंट आर्टेरियोल था, यहां से एग्जिट हो रही थी क्योंकि एफरेंट आर्टेरियोल है. मान लो आपका GFR बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कि इतना ज्यादा फिल्ट्रेशन होने लग गया है कि आपको कम करना है. अगर आपको GFR कम करना है तो आप इन दोनों में से, एफरेंट और इफरेंट में से एक को पतला कर दोगे, किसको करोगे? सोच के बताओ. यहां से एंट्री हो रही है, यहां से एग्जिट हो रहा है, GFR तुम्हारा हद से ज्यादा बढ़ चुका है, तुम्हें एक को क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा. GFR को कम करने के लिए किसको छोटा करोगे? मैं बोल रही हूँ GFR बढ़ रहा है, हद से ज्यादा बढ़ रहा है, एक को तुमको छोटा करना पड़ेगा ताकि GFR नॉर्मलाइज हो जाए. किसने ठीक आंसर दिया है? जिक्रा, संजय, अनुसुया, समीक्षा, शगुफ्ता, सिद्धरथ विद द राइट आंसर. बाकी बच्चे गलत हैं. देखो भाई, यहां से ब्लड एंट्री मार रहा है, GFR ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो ब्लड की एंट्री कम करो ना, कम भेजो, तो इसको तुम्हें छोटा करना पड़ेगा. किसको? इसको बेटा आपको छोटा करना पड़ेगा ताकि ब्लड कम एंट्री मारे. कम एंट्री मारेगा तो बच्चे कम फिल्ट्रेशन होगी. यस यस. अगर सेकंड कंडीशन, अगर GFR कम हो गया है, अगर GFR यहां पर कम है तो तुम्हें GFR बढ़ाना है, तो किसको छोटा करोगे? अब किसको छोटा करोगे? यस गाइस, GFR कम है, GFR आपको बढ़ाना है, अब किसको छोटा करें? अब बेटा किसको छोटा करेंगे? इफ्रेंट को. देन यू विल परफॉर्म वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द इफ्रेंट. इसको छोटा कर दो, यहां से एंट्री ज्यादा होगी, एंट्री ज्यादा होगी बेटा, एग्जिट कम होगा, तो मैक्सिमम तो यहाँ फिल्टर हो जाएगा ना. एंटर इतना सारा ब्लड हो रहा है, एग्जिट होने का चांस ही नहीं मिल रहा, वैसो कंस्ट्रिक्शन कर दिए, तो यहाँ पर GFR क्या बढ़ जाएगा? ज्यादा बढ़ जाएगा. तो अगर आपके सामने लिखा हुआ है वैसो कंस्ट्रिक्शन, तो ये समझना कि किसकी वैसो कंस्ट्रिक्शन की बात हो रही है, एफरेंट की या इफरेंट की. ये 100% समझ आई ये बात? यस बच्चे बताइए, ये बात पता चली? सोच लोगे अब इस बारे में? सोच लोगे, इस पे क्वेश्चन आएगा? फिर मत कहना मैम ने बताया नहीं था. ओके, हाँ चलिए. So JG is a special type of sensitive region formed by cellular modification of the DCT and the efferent arteriole in the location of their contact. A fall in GFR, एक तो मैंने ये चीज बता दी, दूसरा भाई JG apparatus पहले पूरा कर लो. ये efferent था, efferent है, यहाँ पर तुम्हारा present है DCT, DCT के कुछ cells हैं जिसको आप बोलते हो macula densa. क्या बोलते हो? ये DCT है, cells को आप बोलते हो macula densa. ठीक है, इसके बीच में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज लेसिस सेल्स, है ना, जिनका फंक्शन अननोन है. एफरेंट आर्टेरियोल के बेटा सम सेल्स आर मॉडिफाइड टू रिलीज अ हार्मोन, दीस सेल्स आर कॉल्ड एज जेजी सेल्स. ये हार्मोन रिलीज कर सकते हैं जिसका नाम है रेनिन विद द सिंगल एन. अगला केस समझो, अगला बच्चे, डबल एन वाला रेनिन क्या होता है? एक तरीके का डबल एन वाला रेनिन इज एक तरीके का एंजाइम. ठीक है, सिंगल एन वाला रेनिन इज अ हार्मोन. अब ये कह रहे हैं कि यार अगर कुछ भी दिक्कत हुई, यहाँ पे दिक्कत बता रहे हैं अ फॉल इन GFR, मान लो GFR डीसीटी में कम आया, तो बच्चे मैक्यूला डेंसा इस चीज को क्या कर लेंगे? सेंस कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है? सेंसर सेल्स है. ये इंफॉर्मेशन किसको जाएगी? जेजी सेल्स को जाएगी. जेजी सेल्स बच्चे एक्टिव होके क्या रिलीज करेंगे? रेनिन. और वो बच्चे आगे स्टिमुलेट करेगा, जीएफआर को नॉर्मलाइज कर देगा. कैसे करेगा? ये हम करेंगे रास मैकेनिज्म में, लेकिन करेगा यही. ठीक है बेटा, करेगा यही. चलिए,
So comparison of the volume of filtrate formed per day and the urine released per day suggests that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया. That is called as reabsorption. अब इतना तो बॉडी से बाहर नहीं निकाल दोगे, खाली हो जाएगी बॉडी अगर 180 लीटर बाहर निकाल दिया तो. ठीक है, तो 99% तुम वापस ले लेते हो by reabsorption. So the tubular epithelial cells in different segment of the nephron perform this either by active or by passive mechanism. For example, substances like glucose, amino acid, sodium. देखो, glucose body से बाहर नहीं भेज सकते, है ना? Important है. Amino acid भी important है. Then बचे sodium ion. कुछ कुछ रखोगे, बाकी भेजोगे, है ना? Blood pressure maintain करने के लिए कुछ तो रखोगे. ये क्या पूछ रहे हैं राजी? मैम, ये renin है और protein वाला renin होता है. बच्चे, this renin is a hormone बेटा. ठीक है, that renin was enzyme. वो क्या था? एंजाइम. एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस एक्सेप्ट टू ओनली, जो कि आरएनए की तरह काम करते हैं. यस, हाँ जी, ओके. आर्यन लोखंडे क्या पूछ रहे हैं? आई एम अ प्लस स्टूडेंट, आई वांट टू कवर द सिलेबस, सो शुड आई सी योर ओल्ड प्लस लेक्चर्स और मंथन लेक्चर्स? आर्यन, आई वुड रिक्वेस्ट कि अब आप मंथन के लेक्चर्स देखो और मेरे प्लस कोर्स में रिविजन चल रही है क्लास 11th की, वो कर लीजिए. पुराने लेक्चर्स बहुत डिटेल्ड है, उसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा अभी, क्योंकि आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है. राइट, चलिए. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली. ये वर्ड याद रखना. कैसी रीअब्सॉर्प्शन होती है बच्चे? ग्लूकोज की एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, वेयर एज अदर आर अब्सॉर्ब्ड बाय पैसिवली. वाटर कोई पूछ ले तो यार, वाटर तो पैसिवली जाएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू डाउन द कंसेंट्रेशन चला जाता है. रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, है ना बेटा? सो ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल. अब रीअब्सॉर्प्शन की इन्होंने देखो यहाँ बात कर ली. रुको, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ. ये देखिए, रीअब्सॉर्प्शन मतलब यहाँ से वापस भेजना. कहाँ पर? ब्लड वेसल में वापस भेजना. ठीक है, क्या क्या वापस भेजा? जो चाहिए था ब्लड में, आपको NaCl चाहिए, आपको मैक्सिमम वाटर चाहिए, आप सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को वापस ले लोगे, भेज नहीं सकते ना, पोटेशियम आयन को वापस ले लोगे. राइट, सो ये चीज जो है यहाँ पर जो एरो है ये है रीअब्सॉर्प्शन वाला. कुछ चीजें आप ब्लड में से फिल्ट्रेट में भेजते हो सकता है ब्लड में एसिडिटी ज्यादा बच्चों, है ना? हो सकता है बच्चों ब्लड में एसिडिटी ज्यादा है, तो यार तुम एसिडिक चीजें क्या भेज दोगे? ब्लड में, यूरिन में भेज दोगे. ब्लड में अगर एसिडिटी ज्यादा तो तुम क्या भेजोगे यूरिन में? बताओ, सब बच्चे बताएंगे क्या चीज भेजोगे, कौन से आयन्स होंगे? इफ ब्लड इज मोर एसिडिक, आपको उसको न्यूट्रल करना है या फिर नॉर्मलाइज करना है, तो क्या भेजोगे आप यूरिन में? बिल्कुल ठीक, क्या भेजोगे बच्चे? एच पॉजिटिव आयन्स. तो कई बार अगर ब्लड में ज्यादा एच पॉजिटिव हो जाए, अमोनिया हो जाए, तो उनको तुम वापस यूरिन में भेज देते हो कि भाई तुम जाओ, बॉडी से निकलो, हाँ हमें नहीं चाहिए, यूरिन के फॉर्म में जाओ. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, दैट प्रोसेस बेटा इज कॉल्ड एज सिक्रीशन. तो यहाँ पर ये सिक्रीशन की ही बात कर रहे हैं. सो ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट. सिक्रीट जब भी आ जाए, दो वर्ड लिखे होंगे बेटा, एक वो लिखेंगे रीअब्सॉर्ब, दूसरा वर्ड वो लिखेंगे सिक्रीट. तो समझ जाना, रीअब्सॉर्ब का मतलब है ब्लड में भेजना, सिक्रीट का मतलब है ब्लड से ले लेना. ओके ओके, राइट, ठीक है. सो दे विल सिक्रीट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक एच पॉजिटिव, लाइक के पॉजिटिव, लाइक अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट. Tubular secretion is an important step in urine formation as it helps in, सबसे important line तो यही आ रही है, as it helps in maintenance of ionic and acid-base balance of the body fluids. Yes, कि blood में कितना acidity होनी चाहिए, अगर ज्यादा हो रही है तो यार तुम क्या कर दो, उसको reabsorb कर दो. ठीक है, ये चीज clear हुई. तो अब पढ़ लें, किस एरिया में से क्या reabsorb हो रहा है और किस एरिया में से क्या secrete हो रहा है. Starting with the first part, that is going to be PCT. Yes, तो PCT is lined by simple cuboidal brush border epithelium. जानते ही हो तुम लोग ने animal tissues पढ़ा है. भाई क्यों यहाँ पे brush border लगाया है? Brush border इसीलिए लगाया है ताकि surface area क्या हो जाए? बढ़ जाए. Surface area बढ़ जाएगा तो reabsorption और बेहतर तरीके से होगी. Right? Which increases the surface area for the reabsorption. Nearly all essential nutrients. Nutrients से क्या मतलब है इनका? Nutrients से मतलब है glucose. Nutrients से मतलब है amino acid. They are reabsorbed. ठीक है, 70-80% of the electrolytes and water, around 60% of the water is reabsorbed बच्चों by this segment. PCT also helps in maintaining the pH and the ionic balance. देखो बेटा, एक चीज याद रखना,
जब भी आपसे बात करेंगे पीएच और आयनिक बैलेंस की, तो वो कौन करेगा? सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन नहीं। वो कैसे होगी? सिक्रीशन के द्वारा मेंटेन होगी पीएच। पीएच मतलब वही एसिडिटी। अगर ये बात करेंगे रीअब्सॉर्प्शन की, रीअब्सॉर्प्शन इज डिफरेंट, सिक्रीशन इज डिफरेंट। वो आप समझ गए हो, ये चीज समझ आई? सो पीसीटी में सिक्रीशन भी होती है बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन, एंड जो रीअब्सॉर्प्शन होती है HCO3 नेगेटिव फ्रॉम इट। ये बात समझे? तो यार ये जो पीसीटी है उसमें रीअब्सॉर्प्शन तो हो ही रही है, ये देखिए, साथ ही में सिक्रीशन भी हो रही है। एरोस का डायरेक्शन देखो, यहां से निकाला जा रहा है, यहां पर दिया जा रहा है। निकालने का मतलब ब्लड में ऐड करना, दैट इज रीअब्सॉर्प्शन। देने का मतलब ब्लड में से एग्जिट कराना। यस यस बेटा, ठीक है। बोथ इज हैपनिंग शुभ्रदीप, बोथ इज हैपनिंग, बोथ इज हैपनिंग, राइट। चलिए हेनलेज लूप के बारे में बात करते हैं। अब आ जाओ इस पे, ये रहा आपका लूप ऑफ हेनले। ये है डिसेंडिंग, ये है बेटा असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल ओनली टू वाटर, यहां से सिर्फ पानी बाहर आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। असेंडिंग लिम्ब बेटा इज परमिएबल टू ओनली सॉल्ट, यहां से सिर्फ सॉल्ट वॉल्ट बाहर आ सकते हैं। डिफरेंशियल परमिएबिलिटी है दोनों की, ठीक है। चलिए, सो रीअब्सॉर्प्शन इज मिनिमम इन द असेंडिंग लिम्ब, ठीक है, यह याद रखना। However, this region plays a significant role in maintaining high osmolarity in the medullary interstitium. क्यों? क्योंकि यहाँ से salt बाहर आते हैं। The descending limb is permeable to water, ठीक है, impermeable to electrolytes. This will concentrate the filtrate as it moves down. समझ रहे हो? कि यार अगर यहाँ से पानी बाहर आता गया, तो अंदर के filtrate की osmolarity बढ़ेगी या कम होगी? सोच के बताइए बच्चों, अंदर के filtrate की osmolarity बढ़ेगी या कम होगी? फिल्ट्रेट की, ब्लड की बात नहीं हो रही। देखो बेटा, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी थी 300 मिली ऑस्मोल। पीसीटी ने भी ऑस्मोलैरिटी कितनी मेंटेन करके रखी? 300। लेकिन जैसे जैसे तुम नीचे गए, पानी बाहर आता गया, तो धीरे धीरे अंदर की ऑस्मोलैरिटी बढ़ती गई। 300 से हो गया बेटा 400, देन हो गया 600, देन हो गया 800, देन हो गया 1000, और अल्टीमेटली टिप पर, स्पिन की टिप पर कितना हो गया? 1200 मिली ऑस्मोल। यस बेटा, तो धीरे धीरे ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज कराएगा। दैट मींस यहां पर जो फिल्ट्रेट है वो कैसा बन गया है? हाइपरटॉनिक। यस, एवरीवन विल एग्री, इट हैज बिकम हाइपरटॉनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। और अगर तुम ऊपर जाओगे तो फिर से पानी तो बाहर नहीं आ रहा, अब कौन आ रहे हैं? सॉल्ट बाहर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर जो फिल्ट्रेट होता जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आइसोटोनिक, राइट। सो ये था तुम्हारा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में मेनली हम आइसोटोनिक रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम डीप इंटू द मेड्यूला जाते हैं, कहाँ जाते हैं? डीप इंटू द मेड्यूला जाते हैं, ऑस्मोलैरिटी क्या करती है? बढ़ती है। यस, सब बच्चे बता दो, समझ आया? चलिए आ जाइए, राइट। सो रीअब्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं हेनलेज लूप में। हेनलेज लूप में कहां पर थे हम? सो द असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल ओनली टू सॉल्ट्स, दिस विल कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट एज वी मूव्स डाउन। डिसेंडिंग की बात की, असेंडिंग लिम्ब इम्पर्मिएबल टू वाटर बट विल अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। देयरफॉर एज कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, जब ऊपर जाएगा, इट विल गेट डायल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू द मेडुलरी इंटरस्टीशियम। तभी वो क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर हाइपोटोनिक हो रहा है। हाइपोटोनिक होते हैं, नो फेरिटिन, सिक्रीशन नहीं होती है LOH में। सिक्रीशन सिर्फ कहाँ पर होगी? आपकी पीसीटी में, डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में भी होगी, LOH में नहीं होगी। अमित राय, क्या देखूं बेटा, पोटेशियम आयन को देख लूं? ये देखो पोटेशियम आयन की क्या हो रही है? रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, और जरूरत पड़े तो हमें सिक्रीशन भी करनी पड़ती है, तभी वो चीज लिखी हुई है NCERT में। ओके अमित, ठीक है। अब आ जाओ डीसीटी में। डीसीटी इज अ साइट ऑफ कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। नॉर्मल रीअब्सॉर्प्शन तो किस में होती है? ध्यान देना, नॉर्मल रीअब्सॉर्प्शन तो किस में होती है बच्चे? पीसीटी में होती है। लेकिन जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, कब है? स्ट्रेस में। स्ट्रेस में फिर हमें थोड़ी और हेल्प लेनी पड़ेगी, तब हम करेंगे कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। That is going to happen in DCT and collecting duct,
राइट बच्चों, सो कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट. डीसीटी इज ऑल्सो केपेबल ऑफ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ HCO3 नेगेटिव. ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है बेटा कि यार पीसीटी में तो HCO3 नेगेटिव रीअब्सॉर्ब हो जाता है, क्या डीसीटी में भी होता है? यस, होता है. ठीक है, ये बात याद रखेंगे कि डीसीटी में और पीसीटी में दोनों में क्या होती है? कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन. बिल्कुल ठीक नंदिनी मिश्रा इफ्ला. यस ओके. जो बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि शायद उनके डाउट्स में पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो आप स्पेशल क्लास में बेटा आ सकते हैं. ठीक है, यहाँ आ सकते हैं. राइट, चलिए आ जाइए. ओके, एंड यहाँ पर सिलेक्टिव सिक्रीशन भी होगी हाइड्रोजन आयन की, पोटेशियम आयन की, NH3 की, टू मेंटेन द पीएच. मैंने बता दिया सिक्रीशन दो काम के लिए होती है, पीएच मेंटेन करना और आपके सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करना ब्लड में. यस, तो ये हो गया बच्चे डायग्राम. यहाँ पे देखो हर चीज, देखो क्या समझ आ रही है. HCO3 नेगेटिव यहाँ भी रीअब्सॉर्ब हुआ, यहाँ भी हुआ. वाटर यहाँ भी रीअब्सॉर्ब हुआ, लेकिन नॉर्मली. यहाँ पर जो वाटर रीअब्सॉर्ब हुआ वो कंडीशनली हुआ. ठीक है, देन बेटा यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स, पोटेशियम आयन भी रीअब्सॉर्ब हुआ और यहाँ पे सॉल्ट्स हुए. नीचे गए तो मैंने देखा रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ओनली वाटर, ऊपर आए तो मैंने देखा रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ओनली सॉल्ट्स, एंड यहाँ पर ये जो टोटल हिस्सा मैंने बनाया है यहाँ पर होती है सिर्फ कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन. यस, समझ आया? समझ आया बेटा? चलिए अब कलेक्टिंग डक्ट पे आ जाए. Now the long duct extends from cortex of the kidney to the inner part of the medulla. ये आप जानते हो कि जो लंबी सी duct है वो cortex से चालू होती है और कहाँ पर जाती है? Medullary region में जाती है. ठीक है, large amount of water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine. यहाँ से भी पानी का reabsorption हो सकता है. ठीक है, लेकिन ये कैसा reabsorption होगा? Conditional reabsorption. कैसा होगा? Conditional reabsorption. This segment allows the passage of small amount of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity. Yes, बच्चों, ठीक है? यहाँ से कुछ ना कुछ आपका यूरिया भी निकलेगा जो मैं काउंटर करंट में समझाऊंगी, और ये यूरिया यहाँ एंट्री मारेगा टू कीप द ऑस्मोलैरिटी मेडुलरी इंटरस्टिशियम में. इट प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस. और पीएच तो कैसे मेंटेन होती है? एच पॉजिटिव और के पॉजिटिव को सिक्रीट करके ही होती है. यस बच्चों, एक एक लाइन समझ आई? काउंटर करंट आएगा, अगला पार्ट वही है. कम ऑन गाइस, टेल मी, इज दिस क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर. चलिए आगे आ जाइए. नाउ द मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट. हाँ जी, कंसेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट के लिए हम समझते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म. वो मैं यहाँ से नहीं समझाऊंगी, मैं अपना आपको समझाऊंगी. ठीक है, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसेंट्रेटेड यूरिन. देखो हम तो भाई 180 लीटर तो रिलीज नहीं करते हैं, पानी की कमी ऑलरेडी बॉडी में, तो यूरिन हमें कैसा बनाना है? कंसेंट्रेटेड बनाना है. ठीक है, कौन मदद कर रहा है? लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल. अब आप समझो, यहाँ बनाऊंगी, सब बच्चे ध्यान दे रहा, एक ही बारी में समझ आ जाएगा. काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म, राइट. सो काउंटर करंट मैकेनिज्म में सबसे पहले आई एम गोइंग टू ड्रॉ द लूप ऑफ हेनले. क्या बनाऊंगी मैं? लूप ऑफ हेनले. तो ये भाई आपका डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये है आपका असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और यही लूप ऑफ हेनले आगे गया आपकी कलेक्टिंग डक्ट बना ली. राइट, तो ये है बेटा आपका डिसेंडिंग, ये है असेंडिंग, और ये है आपका कलेक्टिंग डक्ट. एक एक चीज समझना, फिर मत कहना समझ नहीं आया. देन इस लूप ऑफ हेनले के अराउंड जेजी नेफ्रॉन्स में क्या प्रेजेंट है? वासा रेक्टा. सो दिस इज योर वासा रेक्टा. ठीक है, ऐसे लूप ऑफ हेनले के अराउंड ही प्रेजेंट है. राइट, लूप ऑफ हेनले में क्या फ्लो कर रहा है? फिल्ट्रेट इस डायरेक्शन में, है ना? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फिल्ट्रेट. डिसेंडिंग लिंब में नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है और असेंडिंग लिंब में ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है. तो क्या ये काउंटर करंट हुआ? एक साइड पर नीचे, दूसरी साइड पर ऊपर, जब ऐसे ऑपोजिट फ्लो होता है उसको आप बोलते हो काउंटर करंट. तो पहला काउंटर करंट कहाँ प्रेजेंट है? इन बिटवीन द टू लिंब्स ऑफ लूप ऑफ हेनले. ये पहला आपका काउंटर करंट है, ये बात समझे? ठीक है, देन यहां से फिल्ट्रेट आगे गया, देन नीचे फ्लो कर रहा है. ओके, नेक्स्ट इज वासा रेक्टा पे आ जाओ. वासा रेक्टा में आपका ब्लड फ्लो कर रहा है. ब्लड का डायरेक्शन ये है,
यहाँ पे इधर ये है इसका डिसेंडिंग लिंब और ये है बेटा इसका असेंडिंग लिंब। तो यहाँ पर ब्लड नीचे, यहाँ पर ब्लड ऊपर, तो वासा रेक्टा की दोनों लिम्स भी क्या बना रही हैं, काउंटर करंट बना रही है। कौन कौन? वासा रेक्टा की असेंडिंग और डिसेंडिंग लिंब, क्योंकि एक में ब्लड नीचे एक में ब्लड ऊपर, दूसरा काउंटर करंट। क्लियर? तीसरा काउंटर करंट देखिए, थर्ड काउंटर करंट इज बिटवीन दिस स्ट्रक्चर, इसके बीच में लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। जब फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है तो ब्लड नीचे आ रहा है, जब फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है तो उसके नजदीक ब्लड ऊपर आ रहा है। तो ये बना आपका तीसरा काउंटर करंट, विच इज बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। सो हाउ मेनी काउंटर करंट आर देयर इन दिस? देयर आर थ्री काउंटर करंट। ओके, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरी चीज, ये ऊपर वाला हिस्सा कौन सा होता है? कॉर्टेक्स होता है। नीचे वाला हिस्सा कौन सा होता है? आपका मेड्यूला। तो सबसे पहली चीज क्या हुई? सबसे पहली चीज बच्चे, आपका असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये वाला जो लिंब है, दिस लिंब ऑफ, एक मिनट मैं इसको हटा दू, दिस इज परमिएबल ओनली टू, बताओ ये किसके लिए परमिएबल है? असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, दिस इज परमिएबल ओनली टू सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सॉल्ट। सबसे पहली चीज बच्चे, यहां पर सॉल्ट निकले, कौन निकला? NaCl निकला। कौन निकला? NaCl निकला। अगर बेटा इस जगह पर इंटरस्टिशियम में मेड्यूला की NaCl निकलेगा तो भाई ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना, 300 से चालू हुए थे 300, 400, देन बेटा यहाँ पर आया 600, अल्टीमेटली कितना हो गया 1200, क्योंकि आपने सॉल्ट निकाल दिए, कहाँ पर? स्पेस में डाल दिए, तो स्पेस की ऑस्मोलैरिटी तो बढ़ी। ये NaCl जो निकला ये पिक कर लिया किसने? वासा रेक्टा ने। तो अब ये NaCl बच्चे वासा रेक्टा में आ चुके हैं, वासा रेक्टा इस NaCl को लेकर आ गई यहाँ पर, कहाँ पर आ गई? यहाँ पर। तो ले आओ यहाँ पर, ब्लड की हेल्प से NaCl पहुंचा यहाँ, यहाँ पर इस वासा रेक्टा ने NaCl फिर से स्पेस में डाल दिया। तो यार अगर NaCl डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले के पास आ गया, बाहर पानी कम हो गया अंदर पानी ज्यादा है, तो पानी दौड़ दौड़ के बाहर आएगा, क्या होगा? यहाँ से रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगी पानी की, और जितना रीअब्सॉर्प्शन पानी की हुई उतना ही क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, यस बेटा, उतना ही क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड आपका फिल्ट्रेट। ये बात समझे? ये बात समझे? सबसे पहले यहाँ से NaCl आया, क्योंकि NaCl के लिए परमिएबल था, वो ब्लड में ऐड किया, ब्लड उसको लेकर इस साइड पे ले आया, इस साइड पे उसने इसको इंटरस्टिशियम में छोड़ दिया, इंटरस्टिशियम में NaCl बढ़ने की वजह से पानी बाहर आया, पानी बाहर आया तो कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। तो कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट में किसका हाथ है? सबसे पहला हाथ है आपके NaCl का, जिसकी कंसंट्रेशन हमने इस इंटरस्टिशियम में बढ़ा दी। जब इस गैप में कंसंट्रेशन बढ़ा दी बेटा तो पानी बाहर आएगा। दूसरी चीज, दूसरी चीज बच्चों, ये जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट है ना, यहाँ से यूरिया बाहर आ सकता है। कौन आया? यूरिया। ये यूरिया जंप करके आ गया इस जगह पर, फिर से इंटरस्टिशियम में। अगर बेटा इस इंटरस्टिशियम में फिर से यूरिया भी घूमेगा, यूरिया भी तो सॉल्ट है, यूरिया घूमेगा तो फिर से बाहर कौन आएगा? पानी बाहर आएगा, फिर से क्या हो जाएगी बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। तो किस किस का हाथ है? एक बच्चों आपके NaCl का हाथ है, प्लस किसका हाथ है? यूरिया का हाथ है। इन दोनों की कंसंट्रेशन हम कहाँ बढ़ा रहे हैं? वी आर इंक्रीजिंग देयर कंसंट्रेशन इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। कहाँ पर बढ़ाया बच्चों? मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो धीरे धीरे जब पानी बाहर आता गया, बाहर आता गया, बाहर आता गया, तो टिप पे पानी बच्चों इतना कम हो गया कि ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई है? 1200 मिली ऑस्मोल। ठीक है, फिर बच्चे यहाँ से भी यूरिया बाहर आता गया, आता गया, आता गया, तो टिप पे आने पे, यहाँ पर टिप पे बच्चों जो यूरिन निकलेगा, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी? 1200 मिली ऑस्मोल। तो यार तुम्हारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी थी? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तुम्हारे यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कितनी बनी? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड हुआ? कितना? 4 times कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू योर ब्लड। यस, समझे? यस गाइस, पता चला? हाँ, ये तो बच्चे कह रहे हैं मैम वैस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट्स लग रहा है हमें। क्या लग रहा है? वैस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट्स लग रहा है। यस मैम, ने रूट बना दिए, जाइलम फ्लोएम सब बना दिए यहाँ पर, है ना? अब पानी वानी अब्सॉर्ब करेंगे। चलो
अब पढ़ लें बच्चों, अब देखोगे तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन समझ आती है कि नहीं आती है। ठीक है, अब मैं रीड करूंगी, अब ध्यान देना। सो द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है, ऑल्सो इन काउंटर करंट पैटर्न। ये आपने समझ लिया कि तीन काउंटर करंट है, एक टू लिम्स ऑफ लूपा फेनले, एक टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, एक बच्चे बिटवीन द लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड लूपा फेनले। नाउ द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज काउंटर करंट इन देम हेल्प्स इन मेंटेनिंग इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टीशियम। जैसे जैसे डीप जाते जाओगे ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। देखो 300 था आपका कॉर्टेक्स में, कितना हो गया इनर मेड्यूला में 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। एक एक लाइन जिसको समझ आ रही है मुझे थम्स अप देता जाए। यस गाइस कम ऑन। ठीक है, दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय, किसने कॉज किया, एनएसीएल एंड न्यूयूरिया ने। अब देखना, एनएसीएल इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले व्हिच इज एक्सचेंज्ड विद द डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा। समझ रहे हो, एनएसीएल असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले से पहुंचा डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा। ये बात समझ, ये बात क्लियर, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर्स द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड टू द इंटरस्टीशियम बाय कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, है ना। कलेक्टिंग डक्ट ने क्या दिया था हमें, यूरिया दिया था। द अबव डिस्क्राइब्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। दिस विल मेंटेन द कंसंट्रेशन इन द मेडुलरी इंटरस्टीशियम। प्रेजेंस ऑफ सच ग्रेडियंट हेल्प्स इन इजी पैसेज ऑफ द वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट देयर बाय कलेक्टिंग द कॉन्सेंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस हाउ मेनी टाइम्स कंसेंट्रेटेड फिल्ट्रेट, 4 times। यस गाइस बताओ, अब तुम्हें ये लाइन समझ आई, अब तुम्हें ये सब भी समझ आएगा। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपका लूप ऑफ हेनले, ये दी हुई है वासा रेक्टा, इन्होंने अलग बना दी, मैंने आपकी वासा रेक्टा यही बनाई थी, राइट। तो कुछ नहीं है, 300 से चालू हुए, 600 हुआ, 900 हुआ, डीप मेड्यूला में जाकर कितना हो गया, 1200 हो गया, राइट। यहां से बेटा आपका यूरिया निकला, यूरिया जंप करके आपका इधर वाली साइड गया और उसने कॉन्सेंट्रेट करा, सिंपल। यस गाइस कम ऑन, मेरे यूट्यूब वाले बच्चे भी मुझे बता दो कहाँ गए। ठीक है, अभिनव शर्मा पूछ रहे व्हाट इज मेंट बाय फिल्ट्रेट। बेटा फिल्ट्रेट तो वही है ना, फिल्ट्रेट इज जो ब्लड में से फिल्टर होके आपके रीनल ट्यूब्यूल में आ गया, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी। फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय वेरियस मैकेनिज्म। पहला मैकेनिज्म है आपका जेजीए एंड टू सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट ऑल्सो। सबसे पहली चीज बच्चों, अगर आपके ब्लड में पानी की कमी हो जाए, यस, सबसे पहली चीज मैं क्या बता रही हूँ, अगर आपके ब्लड में वाटर की कमी है, वाटर कम है तो यार ब्लड प्रेशर भी क्या है, कम है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, उस केस में बच्चों ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन द बॉडी वॉल्यूम, ठीक है, एनायनिक कंसंट्रेशन। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर एंड स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस। देखो अगर आपके ब्लड में पानी कम है तो सॉल्ट ज्यादा है तो वो ऑस्मो रिसेप्टर्स आपके हाइपोथैलेमस के डिटेक्ट कर लेंगे। ऑस्मो रिसेप्टर सबसे पहले काम तो पता क्या कराएंगे, तुमसे पानी पिलवाएंगे। यस बच्चों पहले पानी पिलवाएंगे, दे विल एक्टिवेट थर्स्ट सेंटर्स ताकि तुम्हारी बॉडी में पानी की सही कंसंट्रेशन हो पाए। दूसरा काम, जो पानी आप यूरिन के साथ लूज कर रहे थे उसको भी बचाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। उसके लिए वो रिलीज करते हैं एक हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एज एटीएच। हाइपोथैलेमस ही बनाता है, कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो विच स्टिमुलेट्स द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एडीएच और वैसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। समझ रहे हो ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। सो द एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम द लैटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल देयर बाय प्रिवेंटिंग द डायूरेसिस, ज्यादा पानी को बाहर जाने से रोकेगा, ठीक है। एन इंक्रीज इन द बॉडी वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर, जब पानी आ गया तब ऑस्मो रिसेप्टर बंद हो जाएगा तो बच्चे एडीएच का रिलीज भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली बंद हो जाएगा। एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट योर किडनी फंक्शन बाय कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन भी कराता है। दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन प्रेशर, अब सोच के बताओ ये किसका वैसो कंस्ट्रिक्शन करा रहा है, एफरेंट का या इफरेंट का, कम ऑन गाइस, यस किसका वैसो कंस्ट्रिक्शन करा रहा है, एफरेंट का या इफरेंट का, सोच के बताना, जिससे बीपी इंक्रीज हो रहा है। देखो ब्लड प्रेशर कब इंक्रीज होगा, ये देखो ये आपका बोमेंस कैप्सूल था,
ये आपका एफरेंट था जिससे ब्लड एंट्री मारता है, ये आपका एफरेंट था। वैसो कंस्ट्रिक्शन किसकी कराएगा बेटा? ये एफरेंट की कराएगा, ताकि यहाँ पर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाए, अंदर एंट्री ज्यादा हो एग्जिट कम हो, ठीक है, ताकि यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है। तो एफरेंट का हो रहा है, इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर फ्लो एंड देयर बाय जीएफआर, है ना, तभी तो एंट्री ज्यादा होगी, एंट्री ज्यादा होगी तो ग्लोमेरुलर फ्लो भी ज्यादा होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है, तो जीएफआर भी बढ़ गया, ठीक है बच्चों, यस बिल्कुल। नेक्स्ट करते हैं, अगला आता है आपका रास मैकेनिज्म, ये भी रेगुलेशन में हेल्प करता है। सो जेजीए प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, अ फॉल इन जीएफआर कब एक्टिवेट होगा? जब जीएफआर कम हो रहा है, इट विल एक्टिवेट, इट विल बी सेंस्ड बाय मैक्युलर डेंसा, मैक्युलर डेंसा इंफॉर्मेशन देंगे जेजी सेल्स को, ताकि यार रेनिन आए। रेनिन क्या करेगा? एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि लिवर ने बनाया है, एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिव करके क्या बना लेंगे? एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 अभी भी कंप्लीटली एक्टिवेटेड नहीं है, इसके लिए कौन आएगा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो 1 को किस में बदल देगा? 2 में बदल देगा। अच्छा, ACE कहां से आया बताइए, मेरे मंथन वाले बच्चों को पता होना चाहिए, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहां से आया? लिवर से आया। फॉल्स, बिल्कुल ठीक। सोनाली विद द राइट आंसर, फैजी विद द राइट आंसर, शिवानी मिश्रा, मानसी ठाकुर, शगुफ्ता विद द राइट आंसर। ACE कहां से आया? लंग्स से आया बच्चों, ठीक है, लिवर से तो एंजियोटेंसिनोजन आया था। देन बच्चे ACE के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 2 बना। अब एंजियोटेंसिन 2 ने जो GFR कम हो गया था उसको ज्यादा करना है, ये भी क्या करेगा भाई? वैसो कंस्ट्रिक्शन किसकी? एफरेंट की करेगा ना, ठीक है। दिस विल ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड GFR। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज रास। इतना डिटेल में तुमको मंथन में बताया था कि एक एक लाइन तुमको अब क्लियर हो रही होगी, वहां पे मैंने लिखवाया था अगर आपको याद हो, दिस विल बी एक्टिवेटेड व्हेन, देन द फंक्शन, ये वाला काम करेगा, याद है आपको? तो वो चीज आप जरूर देखिएगा, राइट। अब इन दोनों के ऑपोजिट काम करने वाला जो फैक्टर है, दैट इज ANF। सो द इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया कैन कॉज रिलीज ऑफ ANF फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द एट्रिया, एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर। This can cause vasodilation. भाई वो दोनों अगर constriction करा रहे थे तो vasodilation कराएगा। Thereby बच्चों blood pressure क्या होगा? कम होगा। GFR को भी क्या करेगा? ये कम करेगा। ठीक है? Therefore it will check the RAS mechanism. Opposite काम करेगा। ये diuresis कराएगा, पानी को बाहर भेजेगा, और बच्चे sodium को भी बाहर भेजेगा, that is called as natriuresis। तो भाई ये diuresis को prevent कर रहे थे, ये करवा रहा है। ये नेट्रियोरेसिस को प्रिवेंट कर रहे थे, ये करवा रहे हैं, तो बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। ठीक है वंदना, आप यार ऐसे सवाल मत पूछो कि एफरेंट का रोल क्या होता है। यार आपका प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करना, तभी तो फिल्ट्रेशन हो पाएगी, अदरवाइज फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती। यस चलिए, मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन बच्चे उस प्रोसेस को बोलते हैं जब यूरिन बाहर रिलीज होता है। सो द यूरिन फॉर्म बाय नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर, वेयर इट इज स्टोर्ड, है ना, ब्लैडर में आप कुछ समय के लिए स्टोर करोगे। ब्लैडर में ट्राइगोन भी बन रहा है, ऊपर से बच्चे आपके आ रहे हैं यूरेटर, ये यूरेटर की ओपनिंग है, देन दिस इज द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, यहाँ पे ट्राइंगल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप क्या बोलते हो? ट्राइगोन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। सो द सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। जब इसमें आपका यूरिन भर जाएगा तो यहाँ पर ना कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स जुड़े हुए हैं जो स्ट्रेच होंगे तो बच्चे सिग्नल जाएगा, ठीक है। In response, the stretch receptor on the wall of the bladder will send signal to CNS. किसके पास सिग्नल भेजेंगे बेटा? CNS के पास। Then CNS will pass motor message to initiate the contraction of the bladder, है ना? जो bladder की muscles हैं, जिनको आप बोलते हो detrusor muscles, क्या बोलते हो? Detrusor muscle. ये क्या करेंगी बेटा? Contract करेंगी। हाँ जी बेटा, antagonist है, नितेश आ रहा। Detrusor की muscle क्या करेंगी? Constriction करेंगी। और जो यहाँ पर स्फिंक्टर्स प्रेजेंट हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर होगा और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होगा, ये क्या करेंगे? आपके रिलैक्स करेंगे, तभी यूरिन बाहर आ सकता है। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर होता है इनवॉलेंट्री, आपके कंट्रोल में नहीं है, एक्सटर्नल होता है आपका वॉलेंट्री। यस सो सीएनएस से जो मोटर मैसेज आया उसने
ब्लैडर की मसल को क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट, और रिलैक्स किसकी मसल को किया, यूरेथ्रल स्फिंक्टर, व्हिच विल रिलीज द यूरिन. द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स. सिंपल. अब यूरिन में क्या क्या है. On an average, human will release 1.5 liters of urine per day. The urine formed is a yellow-colored substance. Uska color yellow kyun hai? Because of a pigment which is called as urochrome. Theek hai? Which is slightly acidic. pH is 6 and has very characteristic odor. कितना? अब यूरिन में बच्चों कुछ यूरिया होगा, कुछ हम अपने ब्लड में भी रखेंगे. 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे. वेरियस अदर कंडीशंस कैन अफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन. एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. है ना, आप यूरिन में अगर देखोगे कि भाई ग्लूकोज आ रहा है तो उसको क्या बोलोगे, ग्लाइकोस यूरिया. यूरिन चेक करने के बाद बच्चे अगर कीटोन बॉडीज निकली तो हम बोलेंगे कीटोन यूरिया है. अगर इसमें हीमोग्लोबिन निकला तो हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन यूरिया है. अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो हम बोलेंगे यार हिमैट यूरिया है. तो यूरिन को चेक करके बहुत सारी चीजों के बारे में आप पता लगा सकते हो. यस, इट इज अ वेरी फेमस डायग्नोस्टिक टेस्ट. ठीक है, अगर ग्लूकोज निकला, कीटोन बॉडीज निकली, दे आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस. अगर बेटा पानी निकला यूरिन में ज्यादा, दिस इज इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस. है ना, डायबिटीज इंसिपिडस. चलिए, सो रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन द एक्सक्रीशन. किडनी के अलावा बच्चे और भी बड़े सारे ऑर्गन है जो एक्सक्रीट करते हैं. पहला आता है बेटा आपका लंग्स. कौन आता है, लंग्स. लंग्स के रिलीज कर रही है CO2. कितना, ये अमाउंट याद रख लेना, दैट इज 200 मिलीमीटर पर मिनट एंड सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर. अच्छा यार, लंग्स में से पानी कैसे जा रहा है, कभी सोचा बच्चों? नहीं सोचा तो सोचो, लंग्स में से पानी कहाँ जा रहा है यार, बताओ. पानी का लॉस कैसे है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. वेरी नाइस. देन बच्चे लिवर में से भी एक्सक्रीशन है. लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी सिक्रेट्स बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, पता है आपको, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिंस, ड्रग्स. मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास्ड आउट बाय द डाइजेस्टिव वेस्ट. देन आपका जो पसीना है, और बेटा जो आपकी स्किन में से ऑयल निकलता है, स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, ये भी क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें एलिमिनेट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वेट की. अच्छा, जैसे आपने टीयर्स को टेस्ट किया हुआ है ना, वैसे जब बहुत दौड़ते हो, स्कूल में कोई रेस है, कोई गेम खेल रहे हो, तो पसीना ऐसे गिर गिर के कहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, फिर अंदर भी चला जाता है, फिर हम टेस्ट भी कर लेते हैं ना चाहते हुए, तो कैसा टेस्ट आता है बच्चों, है ना, नमकीन टेस्ट आता है. तो इसमें क्या होगा, स्वेट विल मेनली कंसिस्ट ऑफ NaCl, सॉल्ट है बेटा. इसमें कुछ यूरिया भी होगा, सोचो यूरिया बॉडी से बाहर निकला, यूरिया अंदर ले लिया आपने, लैक्टिक एसिड भी होगा. Though the primary function of the sweat is to facilitate the cooling effect, but it also helps in the removal of these waste. ठीक है, NaCl, urea, lactic acid. ये याद रखेंगे, ये सवाल आता है. क्या क्या है इसमें, NaCl, urea plus lactic acid. अब oil. जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे टी जोन पे यहाँ पर बड़ा सारा ऑयल जमा होता है. आप यहाँ टिश्यू पेपर रख के देखो, बहुत सारा ऑयल आ जाएगा. दिस कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस. ऑयल में से क्या क्या निकल रहा है, स्टेरॉल्स निकल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स निकल रहे हैं, वैक्सेस निकल रहे हैं, सीबम मतलब ऑयल. दिस सेक्रेशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द स्किन. डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम सलाइवा टू. यस बच्चे, सलाइवा में से भी कुछ कुछ वेस्ट आपका रिमूव हो सकता है, राइट. सो अगर कभी आपका एक्सीडेंट हो जाए या किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाए जिसकी वजह से नेफ्रॉन्स हमारे डैमेज हो जाए, तो हमें बेटा हमें क्या हो सकता है, यूरेमिया हो सकता है. कि किडनी अगर काम करनी बंद कर दी या फिर खराब हो गई या नेफ्रॉन खराब हो गए, तो उस केस में ब्लड में यूरिया बढ़ जाएगा. उस कंडीशन को आप बोलते हो यूरेमिया, विच इज हाईली हार्मफुल. तो इस प्रोसेस में बच्चों हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, आर्टिफिशियल किडनी की. आर्टिफिशियल किडनी इज हीमोडायलिसिस. आर्टिफिशियल किडनी में आपने क्या लिया, बंदे का ब्लड बाहर निकाला बॉडी से आर्टरी के थ्रू, देन उस ब्लड को आपने भेज दिया कॉइल ट्यूब में, है ना, जो कि बनी हुई है सेलोफेन पेपर की. इस तरीके से आपने कॉइल ट्यूब में भेज दिया, ठीक है, और ये कॉइल ट्यूब आपने रख दी एक चेम्बर में. किसमें रख दी बेटा, इस चेम्बर में रख दी, ठीक है, और इस चेम्बर में आपने डाला हुआ है डायलाइजिंग फ्लूइड. ये मैंने सबको अच्छे से कराया हुआ है ना, डायलाइजिंग फ्लूइड. ये डायलाइजिंग फ्लूइड की कंसेंट्रेशन बिल्कुल आपके ब्लड की तरह है, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट बच्चे यहाँ क्या नहीं है, यूरिया नहीं है। तो भाई यूरिया विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। तो यूरिया इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। ब्लड में से यूरिया वापस गया, आपने इस प्योर ब्लड को वापस उस बंदे में डाल दिया। यस, सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी पम्प्ड इनटू द डायलाइजिंग यूनिट। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी में डाल दिया। देन बच्चे यहाँ पर हमने एंटीक्वैगुलेंट भी डाला, हेपरिन। द यूनिट इज कॉइल्ड, सेलोफेन ट्यूब देख ली, सराउंडेड बाय डायलाइजिंग फ्लूइड हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, देन द पूरे सेलोफेन मेम्ब्रेन में से क्या फ्लो करेगा आपका, यूरिया। नाइट्रोजनस वेस्ट क्योंकि बाहर एब्सेंट है तो वो मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो ये हो गया बच्चे आपका आर्टिफिशियल किडनी। लेकिन कब तक बच्चों डायलिसिस कराने बारी बारी जाओगे? यू नो, जिसकी किडनी ज्यादा खराब है उसको ज्यादा टाइम के लिए डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। कई बार तो अ पर्सन हैज टू गो फॉर डायलिसिस थ्राइस अ डे। यस, इसीलिए परमानेंट सोल्यूशन क्या है? यस, बिल्कुल, वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है यार? किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराओ। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ द रीनल फेलियर। अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ डोनर। ठीक है, आपको एक डोनर चाहिए होगा जिससे आप किडनी ले सकते हो, जिसकी मैचिंग हो जाए प्रॉपर। देन बच्चे आप उसको जिसको जरूरत है उसमें डाल दीजिए। बट इसमें भी एक पंगा है कि यार कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, है ना, इम्यून सिस्टम उसका रिजेक्ट कर सकता है, इसीलिए उसको क्या दिया जाता है, इम्यूनो सुप्रेसिव ड्रग्स। क्या दिए जाते हैं? इम्यूनो सुप्रेसिव ड्रग्स, राइट। एग्जाम्पल इज साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस। देन आता है बच्चे रीनल कैलकुलाई, कुछ डिसऑर्डर्स कर लेते हैं। अगर किडनी में स्टोन हो जाए, पानी वानी कम पीते हो तुम लोग तो किडनी में स्टोन हो सकते हैं ऑक्सलेट्स के, विच आर कॉल्ड एज रीनल कैलकुलाई। अगर आपके ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लामेशन हो जाए, दैट इज ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। तो ये है बच्चे आपके कुछ डिसऑर्डर्स। देन मैंने कुछ डिसऑर्डर्स बताए थे, ग्लाइकोस यूरिया, कीटोन यूरिया, हेमैट यूरिया, जैंथिन यूरिया, हेमोग्लोबिन यूरिया, है ना। तो ये भी कुछ आपके डिसऑर्डर्स रहेंगे। सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर, पूरा एनसीईआरटी हमने कवर कर लिया। क्लियर है सब बच्चों को? यस, 100% क्लियर। अब हम मिलेंगे बच्चों 12:30 पर। कब मिलेंगे? 12:30 पर। नाउ वी विल मीट एट 12:30 फॉर द एनसीईआरटी ऑफ लोकोमोशन। मैंने आपको बोला हुआ है कि मैं ही आपको सबकी तैयारी कराऊंगी, बी इट मंथन में आपकी जो जो चीजें आ रही है उसके, आई विल मेक यू रेडी फॉर दैट। 12:30 बजे फिर से एक स्पेशल क्लास होगी, तो उसमें आना मत भूलना। ये मैंने कुछ आपके डीपीपी के सवाल लिखे थे, बट ये मुझे लगता है आपको आते हैं, है ना, ये डीपीपी वाले ही हैं, यू विल बी एबल टू आंसर। यस, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, तो जो बच्चे मुझे नहीं फॉलो करते हैं अभी भी स्पेशल क्लास में, बच्चों मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पर, आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। एंड बच्चे मेरी सारी स्पेशल क्लासेस आपको दिख जाएंगी इफ यू विल यूज दिस कोड सीप लाइफ। इसकी डीपीपी, इसका क्या आपको पीडीएफ चाहिए बच्चों? इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसी टेलीग्राम लिंक पे शेयर करूंगी। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, t.me/unacademyneet_official। वैसे मैंने मंथन में सारी एक्सक्रीशन का आपके साथ डीपीपी शेयर की हुई है। मंथन का टेस्ट जिसमें अभी भी एनरोल नहीं किया तो बच्चे आज दोपहर को 3 बजे टेस्ट है, पहुंच जाना, ठीक है, 3 PM। और प्लस में आप जानते हैं कि अगर आप अब 3 मंथ का कोर्स लेंगे, यू विल गेट बेनिफिट ऑफ 4.5 मंथ। 31st of July तक आपके पास सपोर्ट रहेगा अनअकैडमी के प्लस एजुकेटर्स का। तो कोड जरूर याद रखना, दैट इज सीप लाइफ, विच इज गोइंग टू गिव यू 10% ऑफ ऑन द टोटल अमाउंट। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी सब्सक्रिप्शन में प्लस में एक कोच भी मिल जाए जो आपके पीछे डंडे की तरह घूमता रहे, है ना, आपका एनालिसिस करे, स्टडी प्लानर बनाए, आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाए, तो ये सब बच्चे आपको मिल सकता है आइकॉनिक में। यहाँ पर भी आई एम अवेलेबल, आप सीप लाइफ कोड यूज करके 6 मंथ, 1 ईयर या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब हम मिलेंगे 12:30 पर विद अनदर सेशन ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट इन सीआरटी। ओके, चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।